डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो बच्चों, आई एम सुमित पंवार। आई होप आपका मॉक टेस्ट 5 अच्छा गया होगा। आज हम उसी टेस्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम मॉक टेस्ट 5 का इंग्लिश सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस द पार्ट्स ऑफ विच हैव बीन जम्बल्ड। तो बच्चों, जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो पहले क्वेश्चन हमारे पास है वो जम्बल्ड वाला आ रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जम्बल्ड हमारे पास यूपीएससी हमें दो टाइप में देता है। पहला S1 और S6, बीच के हमें PQRS फिल करने पड़ते हैं, और दूसरा हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस ही ढूंढना पड़ता है और फिर PQRS वाला सेम पैटर्न। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास PQRS वाला पैटर्न यहाँ पे हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो उससे हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो PQRS वाले क्वेश्चन में जो अप्रोच होनी चाहिए आप लोगों की, वो आपकी ऑप्शन से भी अप्रोच आप उठा सकते हैं कि आप ऑप्शन देखें और उसके हिसाब से आप अपना क्वेश्चन बनाएं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, गेट क्रिस्टलाइज्ड, ये पी ऑप्शन है, द सेल्फ एंड वर्ल्ड व्यू एंड फिजिकल स्पेस वेयर बेसिक आइडियाज ऑफ पब्लिक कल्चर इज मेंटेन, ठीक है। तो बच्चे, जैसे आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आप एक चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे हमारे पास गेट है, कभी भी हमारे पास जो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंटेंस PQRS टाइप है। अगर ये S1 S6 होते तो शायद PB वाला ऑप्शन बन पाता, बट क्योंकि PQRS है तो पहला हमारे पास गेट है, तो ये ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता P। सेकेंड देखते हैं हम, द सेल्फ व्यू, ये हो सकता है हमारे पास Q। फिर हमारे पास एंड फिजिकल, सेम स्टोरी बच्चों, एंड वाले पार्ट से हमारे पास वही स्टोरी, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पार्ट आप पढ़ ही चुके हैं, तो उस वाले पार्ट से आर भी हमारे पास सेंटेंस स्टार्टिंग नहीं हो सकता। लास्ट हमारे पास पब्लिक कल्चर इज मेंटल, चांसेस है कि हमारे पास होता है। तो बच्चे, हम देख पा रहे हैं कि पी और आर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आर वाला ऑप्शन तो हमारे पास पहले हो जाएगा कट। अब हमारे पास SRQP ये वाला पार्ट देखते हैं। तो बच्चे देखते हैं जरा इसको, तो पहला हमारे पास है एस, ये उठाते हैं, तो एस हमारे पास आ रहा है, पब्लिक कल्चर इज मेंटल, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है ये। फिर उसके बाद हमारे पास है आर एंड फिजिकल, देखिए बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा जरा हमारे पास मिल रहा है, पब्लिक कल्चर इज मेंटल एंड फिजिकल, थोड़े से चांसेस, पब्लिक कल्चर इज मेंटल एंड फिजिकल। उसके बाद पी है, स्पेस वेयर बेसिक आइडियाज ऑफ गेट क्रिस्टलाइज्ड, ऑफ गेट क्रिस्टलाइज, एक ऑप्शन ये हमारे पास, लास्ट ऑप्शन ये। एक बार हम ये ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि हमें लगा है कि जैसे एस से ऑप्शन बन सकता है, तो हमने देखा पब्लिक कल्चर इज मेंटल फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड एंड फिजिकल स्पेस वेयर बेसिक आइडियाज ऑफ क्यू ऑफ द सेल्फ एंड वर्ल्ड व्यू, ऑफ द सेल्फ एंड वर्ल्ड व्यू, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास गेट क्रिस्टलाइज। तो बच्चे हमारे पास ये जो दो ऑप्शन है, ये आप देख पा रहे हैं SRPQ और SRQP, ये दोनों ऑलमोस्ट हमारे पास सेम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको दोबारा, अगर इसको एनालाइज करें, तो पब्लिक कल्चर इज मेंटल एंड फिजिकल स्पेस वेयर बेसिक आइडियाज ऑफ द सेल्फ एंड वर्ल्ड व्यू गेट क्रिस्टलाइज, इसलिए बच्चे इसका आंसर होगा हमारे पास फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास बी ऑप्शन होगा। बच्चे कुछ ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्वेश्चन फंस रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन का लेवल कंपेरेटिवली इतना हार्ड जरूरी नहीं कि हो, ठीक है। अब देखते हैं, ओके, आई होप आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चे हमारे पास है, मोहन क्लियरली आई कुडंट सी ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड दो ही वॉज। बच्चे देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी हमारे पास जहाँ पे सब्जेक्ट हमें दिख ही रहा हो कि सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, वो क्वेश्चन कंपेरेटिवली बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास, देखिए तो हमारे पास एक चीज क्लियर है कि सेंटेंस हमारे पास ओनली अ फ्यू से स्टार्ट होने के चांसेस के बहुत ज्यादा कम है, तो सेंटेंस हमारे पास आर है। देखिए ये ऑप्शन हमारे पास पहले दो कट हो गए, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है हमारे पास। अब देखते हैं इसे, तो हमारे पास देखते हैं पहले हमारे पास पी ऑप्शन, तो मोहन क्लियरली आर हमारे पास है सेकेंड, मोहन क्लियरली उसके बाद ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड एस दो ही वॉज, नहीं बच्चे इसमें कोई हमारे पास कोई सेंस नहीं बन रहा है हमारे पास। लास्ट ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, तो हमारे पास ऑप्शन है एस दो ही वॉज आर ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड क्यू आई कुडंट सी पी मोहन क्लियरली, बच्चे परफेक्ट सेंस बना रहा है हमारे पास। तो इसका हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी डी SRQP, दो ही वॉज ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड आई कुडंट सी मोहन क्लियरली। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन हमारे पास है मेड द मूवमेंट ऑफ पुअर विजिबिलिटी ऑफ द व्हीकल्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो बच्चे हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि आर वाला जो ऑप्शन है ऑफ द व्हीकल्स यहाँ से स्टार्ट नहीं होने वाला, तो इसको तो हमारे पास हटाते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि तीनों ऑप्शन हमारे पास क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास ये हमारे पास कहानी क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास यही रहने वाला है हर हाल में, ठीक है। तो देखते हैं इसको, पहला देखते हैं द पुअर विजिबिलिटी फर्स्ट, सेकेंड हमारे पास आर है ऑफ द व्हीकल्स, द पुअर विजिबिलिटी ऑफ द व्हीकल्स पी,
मेड द मोमेंट क्वाइट डिफिकल्ट, यानी कि तुम्हारे पास ये जो सेंटेंस है, मैं कहना चाह रहा आंसर बिल्कुल ठीक है इसका, सेंटेंस क्या बन रहा है इसका, द पुअर विजिबिलिटी ऑफ द व्हीकल्स, यानी कि तुम्हारे पास जब व्हीकल्स पे हम जा रहे थे जो विजिबिलिटी हमें क्लियर नहीं हुई उसके कारण हमारे पास जो मूवमेंट था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास रहने वाला है क्यू आर पी एस। ठीक है बच्चे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑफ करप्शन एवरीवेयर टू ईज आउट द मॉन्स्टर इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है बच्चे, देखिए वही सेम स्टोरी, अब आपके लिए क्लियर हो जानी चाहिए स्टोरी कि यहाँ पे हमारे पास पी वाली कहानी हमारे पास है वो हमारे पास किसी भी हाल में सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करने वाली है। वैसे टू वाली कहानी में भी हमारे पास सेम स्टोरी रहने वाली है, ठीक है, बट यहाँ पे दो ऑप्शन है इसलिए कई बार बच्चे यहाँ पे होपलेस हो जाते हैं, तो भी घबराने की बात नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारे पास, तो क्वेश्चन हमारे पास है देखिए हम वही स्टार्ट करते हैं, हमारे पास इट इज द ड्यूटी एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरा हमारे पास दी मॉन्स्टर एक पॉसिबिलिटी ये भी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो उसको हम देखेंगे। तो पहला ऑप्शन नंबर देखते हैं हमारे पास, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, पहला क्यू टू ईज आउट, देखिए बच्चे यहाँ पे मैचिंग तो ऐसा हो रहा है हमारे पास, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ईज आउट, यानी गवर्नमेंट की ड्यूटी है ईज आउट कराने की, आर द मॉन्स्टर, ये तुम्हारे पास तीसरा हमारे पास बन रहा है दी मॉन्स्टर ऑफ करप्शन एवरीवेयर। देखिए बच्चे बिल्कुल परफेक्ट सेंस बना रहा है हमारे पास ये एस क्यू आर पी, यानी कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ड्यूटी है ईज आउट यानी करने की जो मॉन्स्टर हमारे पास जो करप्शन नाम का जो मॉन्स्टर है उसको तुम्हारे पास हटाने की। तो आंसर रहने वाला है इसका फर्स्ट एस क्यू आर पी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ईज आउट द मॉन्स्टर ऑफ करप्शन एवरीवेयर। आई होप बच्चे यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास एंड गार्बेज, देखिए बच्चे दोबारा ये सेम स्टोरी, ठीक है, ये देखिए बच्चे अगर आप पैटर्न समझ जाएंगे तो अब आपके लिए कंपेरेटिवली क्वेश्चन करने बहुत आसान होने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है एंड गार्बेज टुडे आर एनवायरमेंट फिल्थ एंड स्क्वालर इज इन कांस्टेंट ग्रिप ऑफ, हमारे पास ये बच्चे चार ऑप्शन है इसमें हमें देखना है। तो देखिए बच्चे पी और एस वाली कहानी यहाँ से हट जाएगी और बहुत अच्छी बात है कि पी और एस है नहीं, तो यानी कि हमारे पास अब एक कहानी देखिए अगले जाती है कि यह सेंटेंस हमारे पास आर से है दैट इज फिल्थ एंड स्क्वालर, या फिर हमारे पास क्यू से दैट इज टुडे आर एनवायरमेंट, तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंपेरेटिवली बहुत आसान हो जाते हैं बच्चे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जैसे हमारे पास इतने पहला वाला तो फिफ्थ फिल्थ एंड स्कॉलर, देखिए बच्चे आर आर दोनों में सेम है तो आगे फिल्थ एंड स्कॉलर, पी फिल्थ एंड स्कॉलर एंड गार्बेज, देखिए बच्चे फिल्थ एंड स्कॉलर एंड गार्बेज कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं दिख रहा है, फिल्थ एंड स्कॉलर एंड गार्बेज, गार्बेज का फिल्थ और स्कॉलर वाले पार्ट से अगर यहाँ पे एंड आ रहा है या तो यहाँ पे कॉमा लगा होता है तो फिल्थ कॉमा को स्कॉलर एंड गार्बेज इस तरीके से होता, बट ऐसा कुछ नहीं है तो ये स्टोरी हमारे पास नहीं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास आर सेम स्टोरी, फिल्थ एंड स्कॉलर एस हमारे पास है इज इन कॉन्स्टेंट ग्रिप ऑफ, ठीक है बच्चे फिल्थ एंड स्कॉलर इज इन कॉन्स्टेंट ग्रिप ऑफ पी, उसके बाद तुम्हारे पास ऑफ के बाद बच्चे एंड, ये देखिए कुछ हमारे पास इंग्लिश के कुछ रूल्स हैं, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए यहाँ पे, ऑफ के बाद एंड वाली स्टोरी सेम स्टोरी, ठीक है बच्चे। ओके अगला आते हैं क्यू पे, क्यू हमारे पास है बच्चे टूडे आर इन्वायरमेंट, ठीक है, उसके बाद एस इज इन कॉन्स्टेंट ग्रिप ऑफ, ओके उसके बाद देखिए क्यू एस, क्यू एस दोनों में सेम है यानी कि एक सेंटेंस एक हमारे पास एक हमारे पास डिसाइड करने वाला है, तो टुडे आर एनवायरनमेंट एस ऑप्शन हमारे पास है इज इन कॉन्स्टेंट ग्रिप ऑफ एंड गार्बेज। देखिए बच्चे अभी हम वेट कर रहे थे कि ऑफ के बाद हमारे पास एंड स्टोरी वाली स्टोरी है, तो लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं इसको, फिर हम टुडे आर एनवायरनमेंट एस इज इन कॉन्स्टेंट ग्रिप ऑफ आर फिल्थ एंड स्कॉलर एंड गार्बेज। देखिए बच्चे अब हमारे पास खाने बिल्कुल ठीक बैठ रही है इसकी, तो हमारे पास आंसर रहने वाला है इसका फोर्थ दैट इज टुडे आर एनवायरमेंट इज इन कॉन्स्टेंट ग्रिप ऑफ फिल्थ एंड स्कॉलर एंड गार्बेज। बच्चे देखिए यहाँ पे इसको मेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब देखिए इज इन कॉन्स्टेंट ग्रीन की तुम्हारे पास ग्रिप में है पूरे इस तुम्हारे पास फिल्थ और एक आज के एनवायरमेंट में हमारे पास ये तुम्हारे पास टुडे एनवायरमेंट इज इन कॉन्स्टेंट तुम्हारे पास जकड़ा हुआ है तुम्हारे पास गार्बेज फिल्थ कूड़ा कचरा इसके बारे में। ठीक है बच्चे आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बच्चे। एक तक हमारे पास लास्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास सिक्स, तो साइंटिस्ट हैव द इफेक्ट ऑफ, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ पहले इसको। ऑलराइट तो हमारे पास क्वेश्चन है साइंटिस्ट हैव द इफेक्ट्स ऑफ वॉर्न्ड अस अबाउट क्लाइमेट चेंज। देखिए बच्चे सेम हमारे पास हम पैटर्न फॉलो करने वाले हैं, हमारे पास देखिए द इफेक्ट्स ऑफ एक ऑप्शन है वॉर्न्ड अस, देखिए बच्चे इन जैसे क्वेश्चनों में हमारे पास अब जब देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास प्रेपोजिशन कंजक्शन वैसा पार्ट हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे हमें सेंटेंस को एक बार ऑप्शन से यहाँ से उठाना वाला पार्ट ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चे। इसका एक अप्रोच हमारे पास हम कई बार क्या करते हैं सेंटेंस को हम पहले हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद हम सेंटेंस करते हैं, ठीक है वो भी एक अप्रोच है, बट कंपेरेटिवली हमारे पास अगर देखें तो ऑप्शन वाइज कई भी आपका लगेगा कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन फिर भी आपका ये बेटर अप्रोच रहेगा कंपेयर टू हिंदी वाला पार्ट। ठीक है बच्चे तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे देखते हैं इसको, साइंटिस्ट हैव द इफेक्ट्स ऑफ वॉर्न्ड अस अबाउट क्लाइमेट चेंज। बच्चे देखिए
इसमें हमारे पास कई बार ऐसा है कि आपको हमारे पास थोड़ा सा जरा हल्का दिमाग भी लगाना पड़ेगा। देखिए दी फैट्स ऑफ वाले पार्ट से हम एक बार के लिए कर सकते हैं, साइंटिस्ट है वाले पार्ट से क्लियर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लियरली यहाँ पे सब्जेक्ट वाला पार्ट एक बार गिवन है। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं इसको इस वाले पार्ट से। तो हमारे पास है साइंटिस्ट हैव आर वॉर्न्ड अस अबाउट, देखिए बच्चे कनेक्ट हो रहा है, साइंटिस्ट हैव वॉर्न्ड अस अबाउट, साइंटिस्ट ने हमें पहले वॉर्न किया है अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल परफेक्ट तुम्हारे पास ये बैठ रहा है बच्चे, और ये आंसर का बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ, कई बार आपको ऑप्शन से क्वेश्चन थोड़े से करने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देखिए बच्चे यहाँ पे साइंटिस्ट हैव था, मैंने इस पर दो चीज़ लगाई, या तो मैं साइंटिस्ट वाले पार्ट को सब्जेक्ट वाला पार्ट कंसिडर करके क्वेश्चन करने वाला था, या फिर दी इफेक्ट ऑफ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मैंने वो साइंटिस्ट वाले पार्ट से लगाया जो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको और आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन और है हमारे पास यहाँ पे, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1992 हिज फर्स्ट वॉयज कोलंबस पे। देखिए बच्चे नाम यहाँ पे गिवन है, ठीक है नाम यहाँ पे गिवन है, तो एक बार इसको एस वाले पार्ट से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं, एक ये वाला पार्ट है पहला, और हमारे पास इन 1992। देखिए बच्चे हम कैसे करते हैं ना, एक बार कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास इन 1992, फॉर एग्जांपल कोई वाला पार्ट है, तो हमारे पास जैसे वर्ल्ड वॉर हुई थी तो हमारे पास इन डैश द वर्ल्ड वॉर बिगेन है, जो भी हमारे पास, तो वहाँ से हमारे पास स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है ओके बच्चे, तो इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहले उठाते हैं हम कोलंबस वाले पार्ट से, तो करते हैं इसको कोलंबस मेड, तो कोलंबस यहाँ पे हमारे पास यहाँ भी है एस और यहाँ भी, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ एक मिनट। ओके तो हमारे पास ये क्वेश्चन, हमारे पास फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1992 हिज फर्स्ट वॉयज कोलंबस मेड। ठीक है, वॉयज हमारे पास सी जर्नी जैसे हम कहते हैं उससे होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है कोलंबस मेड, तो दोनों में हमारे पास कोलंबस मेड है, ये क्वेश्चन पहला। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चे पी आर और आर पी दो में चेंज है हमारे पास हो रहा है, तो यहीं पे हमारे पास आंसर डिसाइड होने वाला है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कोलंबस मेड, पहले वाले में जो है दैट इज पी, कोलंबस मेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। देखिए बच्चे कोलंबस मेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, क्या अगला देखो ये वाला ऑप्शन, कोलंबस मेड आर हिज फर्स्ट वॉयज, यानी कोलंबस ने अपनी पहली वॉयज जो करी वो करी तुम्हारे पास इन फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1992। देखिए बिल्कुल तुम्हारे पास बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो रहा है। देखिए दोबारा से कोलंबस मेड, ठीक है देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या गलती हो रही है, कोलंबस मेड ठीक है पी वाला पार्ट, कोलंबस मेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, यानी क्या तुम्हारे पास मेड, यहाँ तो लग रहा है कुछ तुम्हारे पास। अब यहाँ देखिए कोलंबस मेड यानी कोलंबस ने किया हिज फर्स्ट वॉयज, यानी कि पहली तुम्हारे पास वॉयज फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1992, तो सेवेंथ का आंसर रहने वाला है हमारे पास बी। ठीक है बच्चे आई होप यहाँ सबको क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, स्पीड इज पोटेंट कॉज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक रेट इन अ बिग सिटी ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है बच्चे ओके ओके क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा एक बार। क्वेश्चन हमारे पास है स्पीड इज अ पोटेंट कॉज, यानी कि स्पीड तुम्हारे पास एक तुम्हारे पास बड़ा वो है कॉज है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक रेट इन अ बिग सिटी ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि तुम्हारे पास किसी भी तुम्हारे पास बिग सिटी में जहाँ पे पॉल्यूशन है वहाँ पे तुम्हारे पास स्पीड भी तुम्हारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉज है। ठीक है बच्चे इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं हमारे पास। तो देखिए बच्चे यहाँ वाले पार्ट में हमारे पास इन अ बिग सिटी ऑफ पॉल्यूशन, अगर आपको भी समझ में आ रहा होगा तो सेम स्टोरी हमारे पास यहाँ पे इन दोनों से सेंटेंस जो स्टार्ट होने वाला पार्ट है वो हमारे पास नहीं है, तो आर और एस वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पे नहीं होने वाला, तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है अब देखते हैं हमारे पास क्यू वाले पार्ट से, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक रेट, ठीक है ये ठीक है दो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक रेट पहला, उसके बाद पी, देखिए पी दोनों में सेम है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट टेरिफिक रेट स्पीड इज अ पोटेंट कॉज, ठीक है क्यू के बाद पी आ रहा हमारे पास आ रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट टेरिफिक रेट स्पीड इज अ पोटेंट कॉज, और एक बार ये ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास पी से स्टार्ट हो रही है, तो स्पीड इज अ पोटेंट कॉज, ठीक है आर इन अ बिग सिटी, थोड़ा सा कनेक्ट लग रहा है इसमें ओके एस ऑफ पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट टेरिफिक रेट। देखिए बच्चे अब हमारे पास दो चीजें, अगर आप देखें इसमें इस वाले पार्ट में यहाँ पे एस आर हो रहा है और यहाँ पे आर एस, यानी कि यहाँ पे चेंज हो रहा है और ये सेंटेंस हमारे पास बिल्कुल ही अलग है। ठीक है बच्चे तो इस वाले केस में हमारे पास देखते हैं, तो अब देखिए तो इस वाले सेंटेंस में हमारे पास पहला सेंटेंस जो हमने किया था वह डिस्कस दोबारा करते हैं इसको, तो क्यों हमारे पास है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट टेरिफिक रेट स्पीड इज अ पोटेंट कॉज, ठीक है दोनों में हमारे पास सेम है, उसके बाद आर इन अ बिग सिटी ऑफ पॉल्यूशन, और यहाँ पे पढ़ते हैं इसको, तो स्पीड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट टेरिफिक रेट पी स्पीड इज अ पोटेंट कॉज एस ऑफ पॉल्यूशन इन अ बिग सिटी, यानी कि तुम्हारे पास जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है टेरिफिक रेट से बढ़ रहा है क्योंकि स्पीड ए पोटेंट कॉज है ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन तुम्हारे पास जो हो रहा है बिग सिटी में, तो आंसर रहने वाला है तुम्हारे पास डी दैट इज क्यू पी एस आर। ठीक है बच्चे अगला क्वेश्चन, मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स सम ऑफ द
द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया वर इशूड बाय, देखिए बच्चे, वर इशूड बाय सम ऑफ द, ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है हमारे पास, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके वही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या यहाँ पे तुम्हारे पास हो सकता है। ठीक है, देखिए सम ऑफ द हो सकता है, वर इशूड बाय तो किसी भी हाल में नहीं होना ना, क्यों देखते, क्योंकि सम ऑफ द तुम्हारे पास हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कॉइन्स वाले पार्ट कर रहा है कि तुम्हारे पास जो गोल्ड कॉइन्स थे, जो स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स थे, उसमें से तुम्हारे पास ज़्यादातर जो थे तुम्हारे पास, या कुछ तुम्हारे पास जो थे वो गुप्ता रूलर्स के टाइम पे तुम्हारे पास इशू हुए थे। ठीक है, देखते हैं इसको, तुम्हारे पास क्यू वाला ऑप्शन है, तो सम ऑफ द, अगर इसको देखें हम फर्स्ट, क्यू दोनों में से हमारा है, सेकेंड पी मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स, यानी कि कुछ तुम्हारे पास मोस्ट जो गोल्ड कॉइन्स थे तुम्हारे पास, सेकेंड उसके हिसाब से, ठीक है, एस वर इशूड बाय और फोर तुम्हारे पास गुप्ता रूलर्स इंडिया, बिल्कुल परफेक्ट बच्चों, सिंक्रोनाइजेशन हमारा बेटर, ऑप्शन हमारा बेटर है क्यू पी एस आर। ठीक है बच्चे, दोबारा इसको बनाते हैं, सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया। ठीक है बच्चे, आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। पैरा जंबल्ड का हमारे पास बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए बच्चे, ये भी हमारे पास कंपेरेटिवली ईजी है, इसको देखते हैं। Brought on by destructive pests, humans have suffered frustration and food losses since earliest times. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि जो तुम्हारे पास brought on by destructive pests, pests समझते हैं बच्चे हमारे पास, जैसे वो जो कीड़ा मारने वाला पार्ट होता है, वाले पार्ट बात है। ठीक है, ओके, नाउ फूड लॉसेस हो रहा है, पेस्ट हो रहा है, वैसे भी करंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो उसको देखते हैं बच्चे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, Brought on by destructive pests, humans have suffered, हमें एक हिंट मिल रहा है कि पहला हो सकता है, since earliest times, frustration and foods। देखिए बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास, वैसे भी क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पे हमारे पास S है, Q और R, ये तो हमारे पास पहले क्लियर जाना चाहिए, brought on by नहीं होगा। ठीक है, एक बार हमारे पास humans have suffered से इसको देखते हैं, तो humans have suffered frustration and food losses, यानी कि humans ने तुम्हारे पास suffer किया frustration और food losses जो हुए हैं तुम्हारे पास, brought on by डिस्ट्रक्टिव पेस्ट, एक हमारे पास ये ऑप्शन है। ठीक है, ओके, तो ह्यूमंस हैव सफर्ड फ्रस्ट्रेशन एंड ह्यूमन लॉस, पहले ऑप्शन में नहीं बन पाएगा तो उसको देखते हैं इसको, तो ह्यूमंस हैव सफर्ड, ठीक है, हमारे पास है फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस, ओके, सिंस अर्लीस्ट टाइम्स ब्रॉड बाय, ठीक है बच्चे बिल्कुल सिख पे हमारे पास ये बेटर है, हमारे द्वारा देखते हैं इसको, तो ह्यूमंस ने हमारे पास सफर किया, सफर बहुत किया जा, फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे पास हुई है, फूड लॉस जो हुआ है अर्लीस्ट टाइम से चलता आ रहा, जो तुम्हारे पास ब्रॉट ऑन बाय डिस्ट्रक्टिव पेस्ट, जो तुम्हारे पास पेस्ट, जो तुम्हारे पास डिस्ट्रक्टिव पेस्ट, उसी कारण जो हो रहा है, जो हमने तुम्हारे पास अभी तक ह्यूमन जो लॉस, जो तुम्हारे पास ह्यूमन, जो हमने ह्यूमन से तुम्हारे पास फेस किया सफर। ठीक है बच्चे, आई होप यहाँ सभी के लिए क्लियर होगा बच्चे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास, दैट इज 11 to 20, तो ईस्ट आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय फोर वर्ड्स ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ए बी सी डी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट टू द मीनिंग। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास सिनोनिम्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है बच्चे, तो सिनोनिम्स वाला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, तो पहला हमारे पास जो है दैट इज डिटेक्ट, ओके, ठीक है बच्चे, तो आते हैं क्वेश्चन 11 पे, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे नियरेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स हमें देखना है, तो पहला हमारे पास है बच्चों डिटेक्ट, तो हमारे पास पहला वर्ड जो है डिटेक्ट, डिटेक्ट सबको पता है बच्चे, डिटेक्ट हमारे पास जैसे हम करते हैं कि जैसे जैसे पुलिस ने डिटेक्ट किया या कुछ, जैसे हमारे पास जैसे हम कहते हैं कि कुछ खोजा, दैट इज, तो उसका मीनिंग होगा हमारे पास, ये तो सिंपल है बच्चे बिल्कुल, डिटेक्ट का तुम्हारे पास डेट आता है हमारे पास, दैट डिस्कवर। सेकंड क्वेश्चन बच्चे हमारे पास है दैट इज मैग्नीट्यूड, देखिए बच्चे वैसे मैग्नीट्यूड हमारे पास अलग अलग फॉर्म में हमारे पास होता है, देखिए लिखने आते, मैग्नीट्यूड हमारे पास डायरेक्शन किसी भी हाल में नहीं होता, एबिलिटी ये सबको पता है, वेट अगर आप देखें तुम्हारे पास ये तीनों से कहीं रिलेट नहीं कर रहा है, तो हमारे पास कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जहाँ पे हमें ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो आंसर इसका बचता है हमारे पास एक्सटेंट। थर्ड बच्चे हमारे पास है दैट इज इल्यूकिडेट, थर्ड हमारे पास है इल्यूकिडेट, बच्चे इल्यूकिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, ठीक है, इल्यूकिडेट का मतलब हमारे पास स्पष्ट करना, क्लियर कर देना। ठीक है बच्चे, डिस्क्राइब, एनोटेट, एक्सप्लेन, कॉम्प्लिकेट, बच्चे एनोटेट का देख लीजिए अभी बढ़ा रहा है, एनोटेट का मतलब किसी के बारे में रिमार्क करना बच्चे, किसी को तुम्हारे पास कोई रिमार्क वाला पार्ट, उसके लिए कहते हैं एनोटेट, तो हमारे पास इल्यूकिडेट है, इल्यूकिडेट का मतलब स्पष्ट करना, किसी को क्लियर करना, तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, तो हमारे पास डेट इसका आंसर आ जाएगा बच्चे दैट इज एक्सप्लेन, तो इल्यूकिडेट मतलब हमारे पास एक्सप्लेन करना। ठीक है, ओके, अगला जो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज डिकॉय, बच्चे ये वर्ड हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, डिकॉय, डिकॉय बच्चे हमारे पास जो वर्ड है बहुत यूज़ हो रहा है, जनरली हमारे पास ये अगर आप उसको सेंटेंस के फॉर्म में देखें तो कई बार ऐसा होता है कि जो फ्लाइट्स में तुम्हारे पास है, ये क्वेश्चन पिछली बार जब आया था इस टाइम फॉर्म में था ये, कि जो फ्लाइट वाले पार्ट में था, टिकट वाले पार्ट में लोगों को डिकॉय किया गया है, डिकॉय वाला पार्ट का अगर हम कहें तो बच्चे इस वाले पार्ट में इसे हम कहते हैं कि इसको बेट, ठीक है, कहते हैं इसको बेट तुम्हारे पास, जैसे हम किसी का, जैसे हम
कभी जैसे हम कोई नेट लगाते हैं, जैसे चूहेदानी में लगाते हैं, उसके लिए हमारे पास हम चूहेदानी में लगाते हैं ना बेट, दैट इज़ तुम्हारे पास डिकॉय, उसे कहते हैं हम डिकॉय, ठीक है। तो उसका तुम्हारे पास बच्चे है गाइड, ठीक है, इंक्रीज, एल्योर, एल्योर एक अच्छा वर्ड, इसका मतलब फुसलाना। तो बच्चे वही सेम मीनिंग है तुम्हारे पास, जब हम देखेंगे इसको, तो हमारे पास डिकॉय के लिए हम यूज़ करेंगे इसलिए हम एल्योर, ठीक है बच्चे। अगला हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ किंडल। बच्चे किंडल ना हमारे पास जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, ये हम तुम्हारे पास जैसे कहते हैं ना कि जैसे बर्निंग वाला पार्ट के लिए यूज़ करते हैं हमारे पास, ठीक है, कि तुम्हारे पास ये जैसे हम कहते हैं ना कि बर्निंग वाला पार्ट जो किंडल तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास जलाने वाले पार्ट के लिए, नॉट वैसे जलाना बट ठीक, किसी को जो हम जलाते हैं। तो हमारे पास शो काइंडनेस किसी भी हाल में नहीं हो सकता बच्चे, हेल्पफुल नहीं हो सकता। अगला हमारे पास पार्ट है विंडिकेट, विंडिकेट कहते हैं हमारे पास प्रूफ करना, तो ये भी कहते हैं हमारे पास आंसर है इसका इनसाइट। बच्चे इनसाइट वाला पार्ट हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इनसाइट को हम कहते हैं उत्तेजित, तो कहीं ना कहीं इसे रिलेट कर पा रहे हैं हम किंडल से, दैट इज इनसाइट, ठीक है बच्चे। 16 हमारे पास है बच्चों दैट इज डिजरस, 16 हमारे पास है बच्चे हमारे पास डिजरस, डिजरस जो हमारे पास होता है बच्चे उसका मतलब हमारे पास होता है जैसे हम कहते हैं कि डिजरस को अगर मैं बताऊँ तो डिजरस हमारे पास ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि जैसे टॉपिक से भटक जाना, कि टॉपिक से भटक के कुछ और, जैसे मैं मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था और मैं अचानक से सेक्शन खोल दूँ मैथ्स का, चलिए बच्चा मैथ्स इसको स्टार्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं हमारे पास डिजरस, यानी कि टॉपिक से भटक जाके किसी और टॉपिक को स्टार्ट करना, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको, डेविएट कौन तुम्हारे पास होता है जब हम किसी राह से भटक जाते हैं, तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा बच्चे डेविएट, ठीक है बच्चे। एक मिनट चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास, अगला जो हमारे पास है दैट इज स्टेट फास्ट। बच्चों स्टेट फास्ट जो हमारे पास होता है, स्टेट फास्ट के लिए हम जैसे यूज़ करते हैं, जैसे स्टेट फास्ट एक हमारे पास एक हिंदी वर्ड आता है स्टेट फास्ट के लिए, जैसे हम कहते हैं कि अगर मैं आपको एग्जांपल की उसमें बताऊं, तो जैसे हमारे पास होता है ना कि तुम्हारे पास किस चीज़ के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है ये मेरे ख्याल से अभी तक जो मैसेज में आ रहा है, कि जैसे आप लोग अपने NDA को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेट फास्ट, मतलब दृढ़ है, मतलब दृढ़ कहते हैं हिंदी में, ठीक है, स्टेट फास्ट तुम्हारे पास वो कहते हैं दृढ़, ठीक है। स्टबर्न सबको पता है हमारे पास, स्टॉन्च, स्टॉन्च बच्चे अच्छा वर्ड है, स्टॉन्च भी हमारे पास सेम के यूज़ है, इसका सिनोनिमी है, जैसे स्टेट फास्ट को हम बोलते हैं दृढ़, स्टॉन्च को हम बोलते हैं निष्ठावान, यानी किसी वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास शुरू से लेकर लास्ट तक तुम्हारे पास वर्क करना, ठीक है ओके। अगला हमारे पास है पैसिव, अगला वर्ड हमारे पास बच्चों जो है दैट इज पैसिव, पैसिव को हम बोलते हैं निष्क्रिय, तुम्हारे ऐसे एक्टिव पैसिव ये तो सभी को दिख रहा है कि इसका एंटोनियम है, ठीक है ओके। वेहीमेंट, बच्चों वेहीमेंट हमारे पास हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास इट इज़ लाइक फॉलिंग इन लव विद समवन, तब यूज़ करते हैं हमारे पास वेहीमेंट, रिकॉर्डेड हमारे पास अलग है, तो आंसर इसका बनेगा हमारे पास इनर्ट। बच्चे ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपको औरों को देख के आंसर हमारे बनने पड़ेंगे, ठीक है। अगला राइवल, ये तो बहुत आसान है बच्चे, यहीं पे हमारे पास है 19 हमारे पास है राइवल, सभी को पता है राइवल क्या होता है हमारे पास, तो इसका आंसर होगा बच्चे हमारे पास ओपोनेंट, ठीक है। 20 हमारे पास आ रहा बच्चे रेस्टिव, रेस्टिव हमारे पास कहते हैं अशांत, होते हैं तुम्हारे पास बहुत अशांत तुम्हारे पास हो जाते हैं हमारे, उसे कहते हैं बच्चे रेस्टिव। तो आंसर देखिए अपना ऑप्शन देखिए हमारे पास इंपेशेंट, इनएक्टिव, लोनली, पीसफुल, ऑप्शन से भी अगर आप देखें इसको तो वैसे हमारे पास ले आ जाएगा आंसर इसका आया बच्चे इंपेशेंट। आई होप यहाँ तक आपको सबकी कहानी क्लियर होगी, ठीक है बच्चे आगे बढ़ते हैं हमारे पास। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन जो है दैट इज 21 से लेके 30, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है ईच आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय वर्ब ग्रुप, ओके बच्चे इस बार हमारे पास ऑपोजिट आ रहे हैं, तो हमारे पास इस बार एंटोनिम्स हमें इसमें ढूंढने, ठीक है बच्चे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बोरो, सबसे आसान बोरो तुम्हारे पास, ठीक है। लेंट, पर्टिकुलर, बच्चे पर्टिकुलर हमारे पास हम यूज़ करते हैं जैसे किसी हमारे पास किसी वरिष्ठ के लिए हमारे पास की बहुत ही पर्टिकुलर इंसान है हमारे वरिष्ठ हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास यूज़ करेंगे एंटोनिम्स का जनरल, ठीक है बच्चे ओके। अगला हमारे पास इनिशिएटेड, इनिशिएटेड सभी को पता होगा यहाँ पे, इनिशिएट तुम्हारे पास कहते हैं ना कई बार हम कि इनिशिएट कीजिए काम को शुरू करना, दैट इज इनिशिएट, ठीक है बच्चे। तो कॉम्प्लिकेट, सिंप्लीफाइड, कमेंस, कंक्लूड, तो हमारे पास आंसर जो इसका करने वाला दैट इज कंक्लूडेड, यानी कि जब हम तुम्हारे पास काम को कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है बच्चे ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 23, 24, ओके बच्चे। तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज ओके, तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है बच्चे दैट इज ब्रूटल, ओके। ब्रूटल कहते हैं तुम्हारे पास कि उसने जैसे कई बार अगर फाइट हो जाए किसी की, मान लीजिए बाई चांस हम बोलते हैं कि वो बहुत ब्रूटली मारा है, ठीक है, वो ब्रूटली मारा है, तो उसे कहते हैं बेसिकली ब्रूटल, ठीक है। फेयरलेस, एडमेंट, तुम्हारे पास किसी चीज़ को जिद्दी, क्रिमिनल हो सकता है, तुम्हारे पास है ह्यूमेन, ऑपोजिट होना है बच्चे दैट इज ह्यूमेन। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज फटीग्ड, अगला क्वेश्चन हमारे पास है फटीग, फटीग तुम्हारे पास है जैसे तुम्हारे पास कहते हैं कि बहुत फटीग हो रहा है, बहुत थकावट सी हो रही है, ठीक है, दैट इज फटीग, तो आंसर हो जाएगा इसका तुम्हारे पास एनर्जाइज्ड, ठीक है बच्चे फटीग हो जाएगा, फटीग को हो जाएगा हमारे पास एनर्जाइज्ड। एंटम्स कंपेरेटिवली बहुत आसान है बच्चे देख ही पा रहे होंगे,
आप सबने पेपर ये दे दिया, आप समझ गए होंगे पेपर काफ़ी आसान आता है इस बार। अगला क्वेश्चन हमारे पास फ्लेक्सिबल है, वेरी इजी अगेन। फ्लेक्सिबल है तुम्हारे पास जो फ्लेक्सिबल है जो तुम्हारे पास होता है, और रिजिड, जैसे हम कहते हैं कुछ लोग एनडीए को लेकर फ्लेक्सिबल हैं और कुछ लोग हमारे पास रिजिड है, जो रिजिड है पेपर सिलेक्शन को लेकर जाएगा। अगला बैरन, बैरन हमारे पास कहते हैं कि जो लैंड है बहुत बैरन है, यानी कि जहाँ पे तुम्हारे पास खेती तुम्हारे पास प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना कि बंजड़, बंजड़ अगर मैं कहूँ से बिल्कुल, तो दैट इज़ बैरन। तो बैरन का तुम्हारे पास फर्टाइल, यानी कि लैंड बहुत फर्टाइल है। अगला हमारे पास अफेक्टेड, जो अगला वर्ड है हमारे पास दैट इज़ अफेक्टेड, यानी कि तुम्हारे पास, देखिए बच्चे कुछ वर्ड हमारे पास है जब सोच रहे होंगे कि अगर इसमें देखें अफेक्टेड, तो अगर देखें तो उसकी मीनिंग तुम्हारे पास बहुत ही अलग बन रहा है। कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि कुछ वर्ड हमारे पास है जो सेंटेंस के जो ऑप्शन उनसे हम उठाना पड़ता है, जैसे अफेक्टेड, अफेक्टेड तुम्हारे पास, जैसे मैं कह रहा हूँ कोई किसी को अगर, जैसे अफेक्टेड हमारे पास जैसे अफेक्ट हुआ, जैसे इफेक्ट और अफेक्ट अगर आपको ध्यान दें, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेंस बनने वाला दैट विल बी जेन्युइन। तो अफेक्टेड का हमारे पास आंसर बनेगा दैट इज जेन्युइन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे 29, दैट इज हॉस्टाइल। हॉस्टाइल बच्चे हमारे पास होता है जैसे कहते हैं ना विरोधी, विरोधी कहते हैं हॉस्टाइल, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है हमारे पास होस्ट, प्राउड, सिस्टमैटिक, सिंपैथेटिक। तो हमारे पास अगर हॉस्टाइल है तो आंसर बनेगा सिंपै, विरोधी है तो हमारे पास जो सिंपैथी वाला वो उसका हो जाएगा, ठीक है। 30th हमारे पास जो है दैट इज सीवियर, ठीक है। तो सीवियर हमारे कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सीवियर चोट लगी, यानी कि बहुत जैसे हमारे पास गहरी कह सकते हैं ऐसे, बट नॉट एग्जैक्टली गहरी, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे कहते हैं कि ज़्यादा तुम्हारे पास जो है दैट इज मतलब जो ठीक हो उसमें हुआ है, ठीक है, वो सीवियर है। जैसे हमारे पास किसी को सीवियर बुखार है, बहुत ज़्यादा बुखार है, ठीक है, उसको ऑपोजिट हमारे पास होता है बच्चे माइल्ड, ठीक है बच्चे। आई होप यहाँ सभी के लिए क्लियर होगा, ठीक है, ओके बच्चे। अब बढ़ते हैं इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 31। आई होप अभी सबको समझ में आ रहा होगा, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं पेपर का जो जो लेवल था बच्चों बहुत ज़्यादा आसान था, पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा आसान था। आई रियली होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइन पार्ट्स लेबल्ड 1, 2, 3, 4 ए बी सी, रीड अ सेंटेंस। अच्छा, स्पॉटिंग द एरर बच्चे, एरर हमें ढूंढना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है, आगे बढ़। तो पढ़ते हैं से पहला क्वेश्चन, आई फेल्ट श्योर ही वुड डाई एंड दैट हिज मनी वुड गो टू हिज डॉटर, ठीक है, यानी कि वो श्योर था। अब देखिए बच्चे, आई फेल्ट श्योर ही वुड डाई, अब देखिए कनेक्टिंग वाले पार्ट के यहाँ पे कनेक्टर में चेक आए, तो आई फेल्ट श्योर दैट यहाँ पे आएगा बच्चे दैट। तो 31st का जो आंसर होने वाला है फर्स्ट, यहाँ पे जो एरर है वहाँ पे ही से पहले हमारे पास दैट बच्चे आना चाहिए था, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चे, लास्ट नाइट यू रिटर्न्ड, ये तो बहुत ही क्लियर है, लेटली, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, आंसर होगा इसका लेट और आम हमारे पास सी, ओके बच्चे। थर्ड क्वेश्चन, वट यू डू इन द इवनिंग्स, बच्चे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ जो हुई है वो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा के तुम्हारे पास इस वाले सेंटेंस में एक एरर बनने के चांस हो गए। तो देखिए कैसे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है यानी कि इंटेरोगेटिव टाइप भी बनेगा, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारे प्रेजेंट में जा रहा है, तो व्हाट यू, तो यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक एरर है, 31st के ए में क्वेश्चन होना चाहिए था व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग्स, ठीक है बच्चे, क्वेश्चन मार्क लगने से हमारे पास सेंटेंस का चेंज हो गया, ठीक है। 34th, द गंगाज हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक एंड None of the four villages are flooded. देखिए बच्चे, स्पॉटिंग एरर वाला पार्ट है, द गंगाज हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स एंड नन आ रहा है इसमें, ऑफ द फोर विलेजेस आर, बच्चे देखिए नन आ रहा है, ये सिंगुलर लेता है हमारे पास, तो आंसर आएगा इसमें इज, तो आंसर आएगा इसका 34th का सी, ठीक है बच्चे, ओके। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, आई एम थिंकिंग, देखिए बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है 35th, क्वेश्चन 35th हमारे पास है, क्वेश्चन है कि आई एम थिंकिंग टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, तो आई एम थिंकिंग, यहाँ पे बच्चे एरर आ रहा है, आई एम थिंकिंग आंसर आना चाहिए इसमें ऑफ राइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी, तो आंसर बन जाएगा इसका आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 36, द मून इज शाइनिंग ब्राइट टू नाइट, इज इट, बच्चे देखिए बहुत ही बच्चे आसान क्वेश्चन इस बार है पेपर में, द मून इज शाइनिंग ब्राइट टूडे, इज इट नहीं होगा बच्चे, ये होगा इजेंट इट, ठीक है बच्चे। तो एरर हमारे पास सी में है, तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास जो क्वेश्चन एरर आएगा 36 के सी पार्ट में आएगा। तो हम 37 देखते हैं, तो आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, देखिए बच्चे आई नो अ डॉक्टर, यहाँ पे बच्चे डेफिनेट पर्सन की बात हो रही है, तो हमारे पास ये आर्टिकल का रूल है, डेफिनेट की बात हो तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा दो, क्योंकि डेफिनेट है, तो क्वेश्चन आंसर बनेगा आई नो द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, ओके बच्चे। क्वेश्चन नंबर 38, द प्राइस ऑफ द कार हैव बीन रिड्यूस्ड रिसेंटली, देखिए बच्चे यहाँ पे एक जो एरर है, यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं बच्चे हैव, ये हैज़ एप रूल आपको सबको पता होगा,
जब हमारे पास सिंगुलर पर्सन वाली बात हो रही हो तो हमारे पास हैव, और प्लूरल वाले पार्ट पे हमारे पास हैव। तो आंसर रूल यहाँ पे, तो क्वेश्चन आएगा द प्राइस ऑफ द कार हैज। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास एरर 38 पे बी में। ओके ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन में 39 देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है विजय इज वेरी क्लेवरर, ये क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गया बच्चे। देखिए आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, विजय इज वेरी क्लेवरर। बच्चे क्लेवरर हमारे पास आ रहा है तो वेरी की यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। आंसर इसका बी है। और लास्ट क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर में, द टीचर हैज नॉट येट एंटर्ड इन टू द क्लास रूम। देखिए बच्चे सेम इन टू की यहाँ पे जरूरत नहीं है, पर डायरेक्ट आंसर बनेगा द टीचर हैज नॉट येट एंटर्ड द क्लास रूम। तो सी इसका आंसर रहने वाला है, ये आपकी स्पॉटिंग है। ठीक है बच्चे, आई होप आपको अब तक सबको समझ में आ रहा हूँ। तो बच्चे हमारे पास हम लास्ट पार्ट में आ चुके हैं अपने इंग्लिश की, दैट इज लास्ट, दैट इज़ हमारे पास idioms एंड phrases। ठीक है बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चे देखिए, जब भी हमारे पास idioms ना सेंटेंसेज वाले फॉर्म में आए तो क्वेश्चन कंपेरेटिवली बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें थोड़ा सेंटेंस पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी कहना चाह रहा है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन देखते हैं। राम फाइनली गॉट थ्रू विद हिज डॉक्टोरल थीसिस। ठीक है बच्चे, यानी कि राम फाइनली गॉट थ्रू हिज डॉक्टोरल थीसिस। बच्चे गॉट थ्रू विद का मतलब हमारे पास तो फिनिश अ टास्क, कोई टास्क जो हम खत्म कर लेते हैं उसको ले कहते हैं गॉट थ्रू विद। तो फाइनली क्लियर एग्जाम नहीं, लेफ्ट द थीसिस हाफ वे थ्रू नहीं, फाइनली फिनिश द थीसिस आफ्टर हार्ड वर्क। ये बच्चे आंसर बिल्कुल ठीक रहने वाला है इसका। तो आंसर इसका जो रहने वाला है दैट विल बी सी पार्ट, फाइनली फिनिश्ड द हिज थीसिस आफ्टर टॉयल। मतलब हमारे पास बहुत हार्ड वर्क के बाद जो हमें काम जो हम करते हैं इसमें बहुत मिलता हमारे पास जाता। ठीक है ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास अगला है। ओके क्वेश्चन 42, ही अक्यूज्ड हर ऑफ टॉकिंग थ्रू हर हैट एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ वर्ड ऑफ व्हाट शी सेड। देखिए बच्चे, ही अक्यूज्ड हर ऑफ टॉकिंग थ्रू हर हैट, हैट से बात करना, यानी कि तुम्हारे पास जो पर्सन तुम्हारे मुंह पे देख के बात नहीं कर रहा, हैट देख के बात कर रहा। जनरली वहाँ पे हमारे पास कि हमारे पास कोई वैसी बात नहीं है वो, या तो हमारे तुम्हारे पास जब कहते हैं कि जनरली हमारे पास नॉनसेंस ही बोल रहा है जब हमारे पास हैट से बात कर रहा है वो। ठीक है, तो आंसर हमारे पास का क्लियर होने वाला है दैट इज टॉकिंग नॉनसेंस। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास टॉकिंग नॉनसेंस। ठीक है बच्चे, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 43, आई कुड हैव कंटिन्यूड माई हायर स्टडीज इफ आई वॉन्टेड बट दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज। तुम्हारे पास ये बहुत ही तुम्हारे पास एक कॉमन जो यूज होता है हमारे पास वाटर अंडर ब्रिज। यहाँ पे कहते हैं ना कि तुम्हारे पास वाटर अंडर ब्रिज, जैसे कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कोई अगर किसी की फाइट हुई और उसके बाद जैसे हम किसी को सॉरी बोलने लगे तो हम कहते हैं ना इट्स नो प्रॉब्लम वाटर अंडर ब्रिज, यानी कि ठीक है सर। ठीक है, मतलब समथिंग दैट आई कैन, जो हो गया सो हो गया, ऐसे कहते हैं ना बायगॉन्स से बायगॉन्स। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर इसका है समथिंग आई कैन नॉट चेंज। तो 43 का हमारे पास जो आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, समथिंग आई कैन नॉट चेंज। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, द मैनेजर डिसमिस द प्रपोजल आउट ऑफ हैंड, द मैनेजर डिसमिस द प्रपोजल आउट ऑफ हैंड एंड सेड दैट इट वॉज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। ठीक है बच्चे, ओके द मैनेजर डिसमिस द प्रपोजल आउट ऑफ हैंड एंड सेड इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल, यानी कि मैनेजर ने जो प्रपोजल था वो कम्प्लीटली तुम्हारे पास कर दिया, क्योंकि वो प्रपोजल जो था वो तुम्हारे पास प्रैक्टिकल नहीं था, यानी कि उसके लिए मना कर दिया। डायरेक्ट तुम्हारे पास आंसर है द मैनेजर डिसमिस द प्रपोजल कंप्लीटली। देखो अगर तुम इसको कॉन्टेक्स्ट देखो वैसे भी ठीक बैठेगा, मैंने तभी कहा जब भी हमारे पास idiom phrases सेंटेंस के फॉर्म में आते हैं तो कंपेरेटिवली बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर आने वाला है हमारे पास कंप्लीटली। ओके द पीपल ऑफ दिस विलेज आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, वेरी कॉमन वेरी इजी, सॉल्ट ऑफ द अर्थ काइंड, ऐसे कहते हैं ना कि सॉल्ट होता है तुम्हारे पास हर चीज़ में घुल जाता है जैसे हमारे पास। ठीक है दैट, तो हमारे पास आंसर आने वाला है काइंड। 46, हु वुड नॉट लुक ब्लू having to pay those heavy bills of entertainment every month। ठीक है, यानी कि who would not look blue, देखिए बच्चे कौन तुम्हारे पास नहीं लगेगा। ठीक है, having to pay those heavy bills, यानी कि तुम्हारे पास जब उसको बड़े बिल पे पड़ने पड़ेंगे entertainment के हर मंथ, या तुम्हारे पास कौन इसके लिए तुम्हारे पास enjoy तो नहीं कर सकता कोई चीज़ के लिए। sad भी हमारे पास इतनी वैसी बात भी नहीं है, annoyed भी हमारे पास है ना कि इसको। ठीक है, तो यानी कि आंसर बनेगा इसका upset, यानी कौन upset नहीं होगा इस चीज़ के लिए कि तुम्हारे पास हर महीने उसको entertainment के लिए heavy bill भरने पड़ रहे हैं। ठीक है ओके, 47, kindly tell him by the word of mouth that I shall be dining with him tonight। word of mouth यानी कि तुम्हारे पास से कहते हैं orally, कुछ हमारे पास idioms हैं जो डेट तुम्हारे पास होते हैं, हमारे पास आंसर आएगा orally। ठीक है, अगला, रमेश was taken to task by the teacher for making noise। अब देखिए बच्चे सेंटेंस में फिर कह रहा हूँ, रमेश was taken to task by the teacher for, अब making, अगर वो टीचर बच्चा अगर नॉइस अगर कर रहा है क्लास में तो टीचर उसके लिए रिवॉर्ड तो उसे करेगा नहीं। ठीक है ओके okay, हाँ देखिए आज टू लीव वाले पार्ट में हो सकता है खराब, लेकिन टेकन टू टास्क वाले पार्ट को अगर हम याद करें तो आंसर इसका आने वाला है 48 का ए दैट इज स्कोल्डेड, यानी कि टीचर ने उसको स्कोल्ड किया तुम्हारे पास क्लास में नॉइस करने के लिए। ठीक है बच्चे, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा।
ठीक है बच्चे, आई होप आपको 48 तक क्वेश्चन क्लियर होगा। लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश सेट, इनको भी देख लेते हैं एंड लेट्स जस्ट गेट ओवर विद। तो हमारे पास जो 49th क्वेश्चन है बच्चे, इसको भी एक बार देख लें आप लोग। देखिए क्वेश्चन है, आई सॉ थ्रू द ट्रिक एंड वॉज ऑन गार्ड। ठीक है, आई सॉ थ्रू द ट्रिक एंड वॉज ऑन गार्ड, यानी कि मैंने जो ट्रिक थी तुम्हारे पास वो देख ली थी। देखिए बच्चे, जब भी हमारे पास कोई मैजिशियन कोई ट्रिक करता है तो यहाँ पे हमारे पास समझने की कोशिश करेंगे यार आप, सॉ थ्रू यानी कि वो समझ गया तुम्हारे पास कि क्या वो तुम्हारे पास ट्रिक जो है वो जो तुम्हारे पास मैजिशियन है वो करना चाह रहा है। यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन नहीं है बट ठीक है, आई सॉ थ्रू द ट्रिक एंड वॉज ऑन गार्ड, यानी कि मैंने तुम्हारे पास डिटेक्ट कर ली, तुम्हारे पास आंसर रहने वाला है इसका डिटेक्टेड। ठीक है बच्चे, और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, वी हैव पुट अप विद द सोरोज ऑफ लाइफ। पुट अप विद, देखिए बच्चे ये हमारे पास बहुत ही चीज़ है और वैसे देखा जाए तो ये कॉमन लाइन ही है आजकल लाइफ में। ठीक है, यानी कि वी हैव, इसका आंसर डायरेक्टली हमारे पास बियर पेशेंटली, यानी कि आजकल हम बहुत पेशेंटली बियर कर रहे हैं अपने लाइफ के, तो भी हमारे पास सोरोज है। ठीक है बच्चे, आई होप अभी तक आपको पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। ये आपका था मॉक टेस्ट 5, इसका इंग्लिश सेट हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, मैं राहुल सर, फैकल्टी फिजिक्स, जैसा कि आप लोग जानते हो अभी हमारे टेस्ट चल रहे हैं, तो मॉक टेस्ट 5 जो है उसमें मैं आपको फिजिक्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने जो अभी एग्जाम दिया होगा उसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा होगा, तो हमारे 51 से स्टार्ट हुए हैं, तो एक एक करके हम इनके आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन ईजी थे और मुझे लगता है कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा। इन्होंने कहा है कि 3 आइडेंटिकल वॉल हैं जो टाइड होती हैं एक स्ट्रिंग से, सेम रॉड है और रोटेट कर रही हैं, ठीक है ना, जैसा कि हमें दिखाया गया है। इसने कहा है कि इसके रोटेशनल इनर्शिया को रख के हमें डायरेक्टली बताना है। ठीक, उसने कहा है 3 समान गेंदों को हल्के तारों से एक ही छड़ से बांधा जाता है, ठीक है ना, आपको इसके घूर्णीय जड़ता जो होती है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो हमें पता है आई का रिलेशन डायरेक्टली किससे होता है, आर स्क्वायर से, मोर द डिस्टेंस मोर द इनर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक, तो जाहिर सी बात है एक्सेस इसकी यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछता है तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3। भाई देखो सीधी सी बात है, आपने दिमाग में बैठा के चलो कि जितना सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा उसका रोटेशनल इनर्शिया उतना बढ़ता चला जाएगा, सिंपल सा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद फिर उन्होंने बोला है कि न्यूटन सेकेंड। भाई अगर हम बात करते हैं न्यूटन सेकेंड की, तो देखो इन सब की अपनी अपनी है। अगर वर्क की बात करते हैं तो वर्क न्यूटन सेकेंड नहीं होता, न्यूटन मीटर होता है जिसको हम जूल से काउंट करते हैं। एंगुलर और लीनियर के बीच में रिलेशन होता है, याद रखना, रेडियस का, ठीक है ना। किसी भी लीनियर चीज को अगर आपको, या किसी भी एंगुलर चीज को अगर आपको लीनियर में कंट्रिक्ट रिप्रेजेंट करना है तो या तो मल्टीप्लाई बाय आर होता है या डिवाइड बाय आर होता है, इस तरह के ही होते हैं। और जनरली मल्टीप्लाई का रिलेशन बनता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड वो आप समझ सकते हो उस चीज को, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम, यहां पे आते हैं पावर, पावर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी, तो ये तो तीनों हो ही नहीं सकते। न्यूटन सेकेंड हमें पता है कि इनर्शिया जो होती है उसमें हम पढ़ते हैं, सॉरी इनर्शिया बोल रहा हूँ, इम्पल्स जो होता है उसमें पढ़ते हैं, इम्पल्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, सॉरी अगेन, इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर एक्सटर्नल फोर्स होता है। इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो हमें पता है कि आई बराबर एफ क्रॉस टी भी होता है, डॉट डेल्टा पी, तो ये क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड। तो हमें पता लग गया कि लीनियर मोमेंटम का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, न्यूटन सेकेंड। ठीक, यहां से बेटा बाकी सब एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इन दोनों की डायमेंशन क्या होती है, इक्वल होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा है कि भाई एक आदमी है ना, वो ये काफी फेमस क्वेश्चन भी रहा और तुम सबने पढ़ रखा होगा कि अगर कोई भी नट है या कोई भी है वो बैठा हुआ है किसी रोटेशनल बॉल पे और एकदम हाथ खोलता है, हाथ बंद करता है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसने वही कहा है कि अगर कोई आदमी है वो स्पिनिंग टेबल पे बैठा हुआ है और वो अपने हाथों को खोल देता है तो क्या होगा भाई, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, नहीं भाई गलत बात है, एंगुलर वेलोसिटी रिमेंस द सेम, ये भी गलत बात है, हिज रोटेशनल इनर्शिया डिक्रीज, ये भी गलत बात है, अभी समझाया था। तो उसने कहा हिज एंगुलर मोमेंटम रिमेन द सेम, हाँ ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करता है, ये डिनोट करता है। और कैपलर का सेकेंड लॉ जिसमें आपने देखा होगा कि कोई प्लैनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा, वो भी क्या है,
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इवन तुम लोगों ने वो भी देखा होगा कि जब ऊपर से हम जंप करते हैं तो उस दौरान तुमने देखा होगा कि डाइवर जो होता है मुड़ जाता है, वो कलाबाजी करता है ना, मुड़ जाता है फिर स्ट्रेट जाता है। ये भी किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और आजकल आप वो तो देख ही रहे होगे, वो टायर वाला टायर घुमा घुमा के दिखाते हैं। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या है बेटा कि इस सब में क्या कांस्टेंट रहेगा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम रिमेन द सेम, डी ऑप्शन। ठीक, अब आते हैं इस पे। ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअल में, अगर तुम मुझसे कहो तो ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी चेक करता है। इसने कहा है कि दो ब्लॉक है, जब मैं देख पा रहा हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ रखा है, मैंने कहा ये दो ब्लॉक है। ठीक है ना, मैंने कहा ये दो ब्लॉक हैं और वो पानी में तैर रहे हैं, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, और इसने कहा कि क्या होगा। ठीक, अब देखने में तो हमें ए ज्यादा डूबा हुआ दिख रहा है और बी जो है वो 50% दिख रहा है, लेकिन बेटा अगर आइस की बात करें तो आइस का तो हमें पता है आइस का सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना, 1/10 पार्ट उसका जो होता है वो हवा में रहता है और बाकी रिमेन पार्ट जो होता है वो वाटर के अंदर रहता है। वो बात की बात है, बट तुम्हारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। इसने कहा कि ब्लॉक ए डिस्प्लेस अ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वाटर। भाई ऐसा कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। ब्लॉक बी डिस्प्लेस ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये भी कोई सच्चाई के साथ नहीं है। वो सुना ना, इस नाटक की सभी पात्रों घटनाएं काल्पनिक है, तो इस नाटक की ये घटना भी काल्पनिक है और ये तो बिल्कुल काल्पनिक है। ठीक, इसने कहा टू ब्लॉक डिस्प्लेस इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर सिंस दे हैव द सेम वेट। फिर इसने कहा है ब्लॉक ए डिस्प्लेस ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वाटर सिंस दे सबमर्ज इन आ। अब जरा मुझे क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या जब कभी भी हम इन सब चीजों की बात करते हैं, जब हम आर्किमिडीज की बात करते हैं, तो अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है, लेकिन फ्लोटेशन की जब हम बात करते हैं तो आपने वहां पर देखा होगा, या तो मैंने वहां बोला होगा वी रो जी या बोला होगा वी सिग्मा जी। एग्जैक्टली अगर बात करें तो क्या हम mg की बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? और mg किसको रिप्रेजेंट करता है? वेट को। तो यहां पर बाकी सारे सेक्शन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वाला सेक्शन जो है, ठीक है ना, 54 में सी, ये किसकी बात कर रहा है? हमारे पास ये हमारे पास डिस्कस कर रहा है किस चीज के लिए? वेट के लिए। तो हम यहाँ पे मेजर जो कंपोनेंट लेके चलते हैं वो क्या लेके चलेंगे? वेट, कि भैया दोनों का वेट बराबर है। ठीक है ना, दोनों का वेट बराबर है। ठीक है, इस वजह से जो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा। आई होप दिमाग में रखोगे कि यहां पर हम वॉल्यूम काउंट ना करके हम क्या काउंट करेंगे, हमेशा तवज्जो किसको देंगे? वेट को। आई होप। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पे 55 क्वेश्चन है। इसने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है किसी सर्किल में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वर्क डन सेंट्रीपेटल फोर्स में जीरो होता है। कोई भी सर्कुलर मोशन में किया गया वर्क जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है ना, और याद रखो बेटा यहीं पे एक और चीज आती है, अगर कोई किसी के चक्कर काट रहा है ना तो उसकी टोटल एनर्जी भी निगेटिव होती है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आ रहा है, इसने बोला है कि भाई क्यों निगेटिव है? तो यहां पर मैं पर्टिकुलरली अपने ईयरबड्स को घुमा के दिखाऊं, तो जब मैं इसको घुमा रहा हूं, ठीक है ना, आप ये सोचो इसका मेन फोर्स कहां लग रहा है? मेरे हाथ पे लग रहा है। ठीक है ना, अब देखते हैं, रोटेट ये कर रहा है यहां आगे की तरफ। ठीक है ना, फोर्स कहां लग रहा है? सेंटर की तरफ। तो क्या हर पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर फोर्स है या नहीं है? और हमें पता है कि जब कभी भी परपेंडिकुलर फोर्स आएगा जो यहां पर दिख रहा है, ठीक, तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? वो जीरो होगा। तो इसने क्या बोला है जरा देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट फॉर द ईच रेवोल्यूशन इज जीरो। ठीक बात है यार, फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो हर चक्कर के लिए जीरो होता है। इसने कहा द एवरेज फॉर ईच रेवोल्यूशन इज जीरो। एवरेज फोर्स का तो यहां पे कोई मतलब ही नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स तो एक्सेलरेशन के लिए कॉज हो रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज जीरो। नहीं भाई, डायरेक्शन की वजह से स्पीड आ रही है तो एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे। इसने कहा द सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। हां, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि जो इसने बोला है कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वेलोसिटी के क्या है? परपेंडिकुलर है। इस वजह से हमारा वर्क डन क्या है? जीरो। अब आप कहोगे कि वर्क डन में तो ऐसी कोई चीज थी नहीं, हमने तो एफ डॉट एस पढ़ा है। ठीक है ना, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या होता है? एफ डॉट एस होता है डब्ल्यू बराबर। अगर इसको करोगे एम ए डॉट एस, एम ए बराबर क्या हो गया? वी वाई टी डॉट एस। बी वाई टी क्या हो गया? बी स्क्वायर के करीब आ जाएगा। ठीक, वो जो हाफ एम बी स्क्वायर आती है वो भी इसकी डिफरेंशियल फॉर्म ही है। आगे बढ़ते हैं।
इसने कहा 56 में कि 1 kg का ब्लॉक है, हमने वर्टिकली उठाया है, एक लड़का है 1 meter का, 1 kg का ब्लॉक है, लिफ्ट हो रहा है वर्टिकली 1 meter किसी लड़के द्वारा, लड़का 1 meter का नहीं है। उसने कहा काम कितना होगा? तो सिंपल से क्वेश्चन है यार, इनमें तो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर को सोचना ही नहीं है। जैसे ही हाइट का जिक्र कर दे, जैसे ही क्वेश्चन आपसे किसका जिक्र कर दे, हाइट का जिक्र कर दे, आप आके बंद करके यहां पे एक स्टेटमेंट लगा दिया करो MGH। देखो हाइट दिया है तो वेलोसिटी दी है, ये मैं हमेशा कहता हूं, और हाइट दिया है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है, और वेलोसिटी दिया है तो आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पता है। ठीक, तो हमारे पास हाइट दे रखी है और हाइट एनर्जी किसके बराबर है, वर्क के बराबर है, कर लेते हैं। 1 g 10, एच कितना 1, तो कितना आ गया 10 joule। आई होप, चलो इसको भी देख लेते हैं। यहीं पे अगला क्वेश्चन भी आ रहा है हमारे पास कि एक्सीलेटर यूज टू मूव 20 people each 60 kg। इसका मतलब हमारे पास नेट जो मास है वो कितना है, 20:60 पर मिनट। पर मिनट का मतलब डिवाइड बाय 60, ठीक है ना। सेकंड फ्लोर स्टोर, फर्स्ट फ्लोर टू डिपार्टेड स्टोर टू द सेकंड फ्लोर 5 meter अबव। इसने कहा पावर कितनी होगी, वही MGH। इसने कहा है कि भाई MGH नॉर्मली लगा दो, 60 से 60 कट गया, ठीक है ना, 20 × 50 = 1000। तो अगर कोई तुमसे पावर पूछ रहा है तो उसकी पावर कितनी होगी, 1000 वाट। देख लेते हैं, अभी तक हमने सॉल्व तो कर लिया, अब ऑप्शन भी देख लेते हैं, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, MGH/T, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, 1000 वाट देखो आ गया नहीं आ गया, यही तो निकाला था अभी हमने। मैं फिर से कहता हूँ, अगर नहीं समझ में आया होगा तो यही था, पी बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ MGH/T, और वो उसने खुद दे रखा था। एम कितना दे रखा है, 20 × 60 पर मिनट, जी कितना 10 × 5, 1000 वाट, ठीक है। आई होप कोई इशू नहीं होगा इसमें, आगे बढ़ते। फिर यहां पे इसने एक क्वेश्चन दिया है कि एक कार है, इनिशियल है रेस्ट पे। देखो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, मैं अगर तुम्हें मेरी पुराने कोई भी लेक्चर याद होंगे तो उसमें तुम लोगों ने एक चीज सुनी होगी, एक चीज बहुत हमेशा पढ़ी होगी, वो क्या थी कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और कम्स टू रेस्ट। यहां पे एक चीज याद रखना, ए बराबर u² / 2s, ठीक है ना, कम्स टू रेस्ट में b² / 2s, बस बात खत्म, कोई तीसरा फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यहां देख लेते हैं अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसने कहा कि एक कार है, इनिशियली रेस्ट पे है, ट्रेवल 20 मीटर करती है 4 सेकेंड में, बिल्कुल सही बात है। तो इसने कहा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, इसने कहा है कि कार है 20 मीटर 4 सेकेंड में स्ट्रेट लाइन जाती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज ओके। तो एस बराबर ½ at² लगा देते हैं, हमें वेलोसिटी नहीं पता ना, एस बराबर क्या लगा देते हैं, ½ at² फिर मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ती, इस वजह से मैंने डायरेक्टली वो ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि दो वेरिएबल्स आ गए। अब जरा मुझे बताना b बराबर कितना है बेटा, 16, हाफ ए, t² कितना हो गया, 4 × 16, तो a बराबर क्या आ गया, 20/8, मतलब 10/4, और 10/4 का मतलब कितना हो गया, 2.5। समझ में आ गया होगा, s बराबर ½ at² डायरेक्ट लगा दिया। ओके, 59 को पढ़ते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है मैं आपको पढ़ने के लिए टाइम देता हूं, अगर आपने नहीं देखा हो, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल। इसने कहा एवरेज स्पीड है ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इज ऑलवेज, किसी दिए गए समय अंतराल के दौरान किसी गतिमान वस्तु की औसत चाल हमेशा होती है। अच्छा, यहां पर एक स्टेटमेंट पढ़ना आपको, हमेशा होती है। हाँ भाई, कुछ मुझे बताओ कि हमेशा का मतलब हम हमेशा यूज कहां करते हैं। इसने कहा था मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम, हमेशा नहीं, ये बात जमीन समझ में नहीं आई। इसने कहा द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग, इसको भी डिस्कस करते हैं, 1/2 इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ द इंटरवल, ये भी कोई बात नहीं जमीन, द इट्स एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इंटरवल। हाँ, ये बात ठीक है यार कि 80 होता है, ठीक है ना, बट इसने बोला ऑलवेज,
तो यहाँ पे हम बात नहीं करते, अब यहाँ पे आते हैं। जब हम बात एवरेज स्पीड की करते हैं तो वहां पे कभी हमने एक्सेलरेशन को नहीं लिया, हमें पता बी बराबर 80 होता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है यार कि उसकी वेलोसिटी उसने वेरी की और वहां पे उसने एक्सेलरेशन लगातार ना लिया, यूनिफॉर्म मोशन रहो, इस वजह से हम एक्सेलरेशन वाले कंपोनेंट को कभी मेजर पार्ट नहीं करते, डिस्टेंस वाले को करते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डिवाइड बाय द वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सिंपल सा फंडा है और कुछ सोचना ही नहीं इस पर। तो मुझे समझ में आ गया होगा इसका आंसर कौन सा हो गया, 59 का वी। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, द अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ ए कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस, जो बाईफोकल लेंस होता है उसका अपर और लोअर जो पोर्शन होता है वो क्या होता है। तुमने गांव के बुजुर्गों को देखा होगा, वो चौपाल पे बैठे होते हैं, जब कोई आ रहा होता है तो उनका चश्मा ऊपर चलता चला जाता है और जैसे ही वो चला जाता है वो चश्मा फिर वापस। उन्हीं बुजुर्गों के बारे में पूछा इसने कि वो बाईफोकल चश्मा यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं। अभी हमारे कोई ताऊ थे, उनको हमने ये चश्मा दिया, गांधी छाप चश्मा। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि भैया नीचे कौन सा है और ऊपर कौन सा, तो मुझे एक बात प्रैक्टिकली बताओ, जो अपने बुजुर्ग हैं उन्हें पास की चीज क्लियर दिखनी चाहिए या दूर की? सोचो अगर उन्होंने दूर की चीज क्लियर नहीं दिख रही है, पास की चीज तो रोड पे जा रहे हैं, ट्रक की आवाज आ रही है, समझ में कुछ आ नहीं रहा, जब नाक की सीट पे आ लिया तब कहेंगे ये तो ट्रक थो, खत्म, फिर तो टाटा बाय बाय। यही चीज कि अगर हमें किसी बुजुर्ग को बचाना है और हम चाहते हैं वो दूर की चीज क्लियर दिखे, तो सबसे ऊपर वो लेंस हो जो उन्हें दूर का दिखा सके। और दूर का दिखाने के लिए जिस लेंस का यूज करते हैं वो कॉनकेव है, दूर का दिखाने के लिए जिस लेंस का यूज करते हैं वो कॉनकेव होता है, और नीचे वाला कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। ऊपर वाला अवतल होता है और नीचे वाला कौन सा होता है? उत्तल। इसी वजह से किताब पढ़ने के दौरान वो चश्मा या किसी पास की चीज को देखने के दौरान वो चश्मा ऊपर कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें बड़ा देखना होता है। तो याद रखना बाईफोकल लेंस में ऊपर अवतल और नीचे उत्तल, देखते हैं अवतल उत्तल, बिल्कुल सही बात है। ऊपरी हिस्से में कॉनकेव और निचले हिस्से में कॉन्वेक्स, पहला वाला। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो 61 इसने कहा है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो बहुत सिंपल सी है, रिलेटिव सॉरी सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन दे रखी है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो मैं कहूंगा सी अपॉन वी, यही तो है ना। और यहां पे सी ना देके उन्होंने क्या कह दिया, बी सी अपॉन वी एम। ठीक, और हमें एक बात और बहुत क्लियर कट पता है, हमें यह पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कभी एक से कम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दुनिया की मैक्सिमम चीज जो चलती है, जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो कंटेन मास करते हैं, क्योंकि मास के अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टी है, तो जो भी चीज चल रही होगी ना, यकीन मानना दोस्तों, हर उस चीज के अंदर मास होने की वजह से वेलोसिटी का अपोज करने का नेचर आ गया, वो कभी स्पीड ऑफ लाइट से नहीं जा सकती। तो मैक्सिमम स्पीड जो हम चला सकते हैं, ले जा सकते हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट है, वो हमारी औकात है, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते, ठीक है ना, और हम उससे नीचे ही रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा प्यारा है, अगर तुम्हें मेरे पुराने लेक्चर से याद हो तो तुम्हें अच्छे से याद होगा, मैंने तुमसे कहा था कि हमेशा ना आंख फोकस करती है, आंख ऊपर तो ऊपर वाला हिस्सा, आंख नीचे तो नीचे वाला हिस्सा, अगर किसी को याद है। अब ये कोई ना कोई बंदा है जो पानी के अंदर कोई चीज देखना चाहता है, इसने माइक्रोस्कोप को श्रेज कर दिया 1 मीटर, यानी कि अपरेंट ए कितना कर दिया इसने, 1 मीटर। ठीक, अब इसने कहा है कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3। तो बेटा अगर किसी को याद हो तो मैंने तुम्हें जो बोला था, मैंने कहा था एक कैसे निकालते हैं, जो हाइट दे रखी है वो टोटल हाइट, आंख ऊपर है तो ऊपर वाला हिस्सा, यही बोला था, आंख नीचे है तो नीचे वाला हिस्सा, अगर नीचे से देख रहे होते तो 3 रखते, ऊपर से देख रहे हैं तो 4 रखा, ए की वैल्यू इसने कितनी दे दी, 1, तो एच बराबर अपने आप कितना आ गया, 4 मीटर, खत्म। ओ, मुझे वो क्लासिकल फॉर्मूले ना मैं चाहता हूँ तुम लगाओ और ना मैं चाहता हूँ तुम याद रखो, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि किस तरह से चीजें सॉल्व की जाती हैं। ओके ओके क्लास, तो हम आगे की बात करते हैं। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर आपको याद हो तो मैंने पूरा का पूरा ईएम वेव आपको याद कराई थी, और ईएम वेव की रेंज होती है 10^-14 मीटर से 10^4 मीटर तक, गामा एक्स यूवी वी आई आर एस आर एल आर। बेटा एस आर को माइक्रोवेव भी कहते हैं और एल आर लॉन्ग रेडियो वेव, और मैंने कहा था ये ऊपर से नीचे आते वक्त किसका बढ़ता हुआ क्रम है, वेवलेंथ का,
10^-14 मीटर से 10^4 मीटर तक का सफर है ऊपर से नीचे आने का। देखते अल्ट्रावायलेट से ज्यादा इंफ्रारेड, बिल्कुल एक्सरे से ज्यादा अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से ज्यादा इंफ्रारेड और सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स। तो हमें पता लग गया रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा। ठीक, ये तो वाकई बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन, अगर ये नहीं आया हो तो लानत है। उसने कहा पावर ऑफ लेंथ ऑफ अ फोकल लेंथ 80 मीटर। लिटरली अगर ये नहीं आया ना, सच्ची में बोल रहा हूं, लानत है फिर। ठीक, पी बराबर क्या होता है बेटा, अगर पावर को लेकर चलते हैं 100/f, ठीक है ना। अब इसने फोकल लेंथ पूछी है, पावर पूछी है ना, 100/80, ठीक कितना हो गया, 5/4, 1.25, ठीक है ना, 1.525 एफ्टर। ओके आगे बढ़ते, फिर आगे आ जाओ। मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको बोला था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर याद आ रहा हो, मैंने आपको बोला था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यही तो बताया था मैंने तुम्हें कि भाई अगर कोई धरती से दूर होगा तो उसकी स्पीड कम होगी, धरती के पास होगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा दूरी उतनी कम डिस्टेंस। तो सबसे कम स्पीड यहां पर, इससे ज्यादा यहां पर, इससे ज्यादा यहां पर, और सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगी यहां पर। तो कोई तुमसे पूछे कि सबसे ज्यादा स्पीड कहां है, तो तुम बोलोगे कि जी ए पॉइंट पर सबसे ज्यादा स्पीड है, ए पॉइंट पर सबसे ज्यादा स्पीड है। ओके आगे बढ़ते, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द बॉल ऑफ मास एम स्ट्राइक टू अ रिजिड वॉल, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन। और कई बार यहां पे पता है क्या होता है, उसने कहा कि भैया यहां से बी से गया, देखो दुनिया का कोई भी टक्कर हो बेटा मोमेंटम कंजर्व रहता है। उसने कहा ये गया एम बी, अब ये वापस आया, वापस आया तो साइन क्या हो गया, माइनस एम बी, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है ना, माइनस माइनस हो गया तो कितना हो गया, माइनस टू एम बी। तो याद रखना बेटा जो इसमें चिक मोमेंटम आता है वो कितना आता है, माइनस टू एम बी। और पुत्र एक चीज और याद रखना, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज या वर्क डन आता है वो कितना आता है, एम बी स्क्वायर। तो अगर कोई तुमसे पूछे मोमेंटम का चेंज कितना है, मोमेंटम कितना है, तो तुम ये बात समझ लेना 2mb, और वर्क कितना है, एनर्जी कितनी है, एम बी स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन है दिमाग में बैठा लेना। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन बाकी में अच्छा बेटा, ठीक है। हालांकि इसमें करेक्शन होने चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी एनसीईआरटी जो डेफिनेशन लेके चलती है ना, हम उसी को ही टारगेट लेके चलते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमेशा प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता था, पर हमने क्या किया कि हमने एक बड़ी बेसिक डेफिनेशन बनाई, हमने वहां पे एक वर्ड बोल दिया, इट इज अ पुश और पुल, ठीक है ना। और पुश और पुल कहते ही हमने बोल दिया कि भाई जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ वो ये कहता है, इफ अ बॉडी इन रेस्ट सो रिमेन इन रेस्ट, इफ इन मोशन सो रिमेन इन मोशन अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो इसका मतलब हो गया कि फोर्स जो है वो मोशन को स्टार्ट कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं होता, फोर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो स्टार्ट अ मोशन, स्टॉप अ मोशन, चेंज द डायरेक्शन एंड चेंज द शेप टू, ठीक है ना। जबकि पुश और पुल कहने पे हम कह सकते हैं कंडीशनली, लेकिन वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। तो जो हम कहते हैं ना स्टार्ट अ मोशन, स्टॉप अ मोशन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये जस्ट प्रॉपर्टी को रिमेन करता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो उस चीज को मानता है कि ये पुश और पुल जो है वो उसकी डेफिनेशन को एग्जर्ट करता है। और ये बात कौन बता रहा है, फर्स्ट लॉ, ठीक। तो हमसे पूछा जाए कि भैया डेफिनेशन ऑफ फोर्स कौन देता है, तो बेटा जर्नली, वैसे तो मैं तुम्हें बताऊं डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में बताने वाला जो था वो सेकंड लॉ था, बट फिर भी हमें यहां पे कहना पड़ता है कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स, क्योंकि एनसीईआरटी ने पुश और पुल को ही डेफिनेशन माना है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें यहां पर डेफिनेशन ऑफ फोर्स फर्स्ट लॉ देना पड़ता है। जबकि एक कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट यह है कि अगर डेफिनेशन ऑफ फोर्स फर्स्ट पॉइंट है तो उसे मेन पॉइंट भी कहेंगे, बट कोई बात नहीं, एनसीईआरटी ने कह दिया तो एनसीईआरटी हमेशा सच होती है, और हमारे लिए तो श्रीमद् भागवत गीता वही है फिजिक्स वालों के लिए। अभी फिलहाल 10+2 लेवल था, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स गिवन बाय फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। मीजर ऑफ फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फिर हम किसको लेकर चलेंगे, सेकंड लॉ को। इफेक्ट ऑफ फोर्स बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, रिकॉइलिंग ऑफ गन, इंपल्स। तो देखते हैं फर्स्ट का फोर्थ,
फर्स्ट का फोर्थ है, सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का फोर्थ है, सेकंड का थर्ड, आगे बढ़ोगे मत, सी ऑप्शन। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ओके क्लियर ही होगा, मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं हुआ तो फिर दिमाग का इलाज करो। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सर। कभी कभी क्या होता है ना, डायग्राम देख के ना दिमाग खराब हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि क्या कह रहा है, और बड़ा सिंपल सी बात कह रहा है वो, ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है। अमीटर क्या होता है, अमीटर गैल्वेनोमीटर से जब बनाते हैं, ए का मतलब गायब करना, तुम्हारी इंग्लिश में होता है ना, ए का मतलब अब्सेंट मान लो, ठीक है ना। अमीटर मतलब जिसमें रेजिस्टेंट अब्सेंट करना है बस तुम्हें, और रेजिस्टेंस कम कब होगा, जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन जुड़ेगा तो कम हो जाएगा, तो आइडल क्या होगा जिसका रेजिस्टेंस जीरो। खैर हमें अभी अमीटर पे लेना देना नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये, इसने कहा कि भैया पहले मुझे बता कि एस खुला हुआ है तब क्या होगा। ठीक है भाई, हम सर्किट देख लेते हैं, सर्किट देखना तो हमें आता है ना। जब ये खुला हुआ होगा तो बेटा ये होगा, तो भैया जब ये खुला हुआ है तो आर ओपन कितना हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन है 15 प्लस 20, तो ये कितना हो गया 35। और पुत्र याद रखना, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस प्रॉब्लम ये है कि डायग्राम देख के हमें डर लग गया, वो भी ये पता नहीं क्या क्या चीजें, हो सकता है नहीं लगाओ कि तुम बहादुर हो। अब इसने कहा अगर ये क्लोज हो जाए तो क्या होगा, तो बेटा ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो तुम्हें याद हो पैरेलल कॉम्बिनेशन को करने का मैंने तरीका बताया था, इनका रेशियो ले लो कितना हो जाएगा, 1:3 का रेशियो आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60/4। 60/4 का मतलब कितना हो गया, काट के देख लेते हैं, 15 आ गया, ठीक है ना। और 15 तो 15 इन सबको, यानी कि ये 15 है और ये नोटल टोटल नेट कितना है 15 है, तो अगर अब इसका आर नेट देखोगे तो वो कितना आ गया, 30 ओम आ गया, नहीं आ गया, क्योंकि मुझे पता है आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, पहले रेजिस्टेंस 35 बाद में 30, रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, इसका बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं था, बस सिर्फ कंफ्यूज हो रहा था कि बस आपके लिए नाम दे दिया। अरे वाह, अगला क्वेश्चन ही इन्होंने अमीटर का दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो अपने आप क्लियर हो गया। इसने कहा गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए, अभी बताया था नलायकों, अभी जस्ट बताया था कि भैया रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और कम रेजिस्टेंस किस में होता है, पैरेलल में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक रजिस्टर है जिसका इन पैरेलल टू द आर वन रजिस्टर, पैरेलल में समझ लेना पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है, रजिस्टेंस आर टू कनेक्टेड पैरेलल टू द आइडल बैटरी ई, और इसने बोला है रेट ऑफ थर्मल एनर्जी, रेट ऑफ थर्मल एनर्जी का मतलब हो गया बेटा पावर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, ऑफ द रजिस्टर विद द रजिस्टर। इसने कहा आर वन को एक प्रतिरोध और आर टू के साथ एक प्रतिरोधक को ई एम एफ ई के साथ आदर्श बैटरी समांतर पोटेंशियल सेम, प्रतिरोध आर वन के प्रतिरोधक में थर्मल ऊर्जा उत्पादन की दर, उत्पादन की दर मतलब पावर, और हमें पता ही क्या होता है V² / R, किसके लिए पूछ रहा है, आर वन के लिए, बी की जगह इसने क्या दे रखा है ई, चल जा भाई, ठीक ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। 71 इसने कहा कि एक पार्टिकल है जिसपे चार्ज क्यू है, उसे लेके आया था दूर से किसी इलेक्ट्रिक डायपोल पे, इसने कहा काम नहीं होना चाहिए, यार आजकल काम नहीं करवाने का मूड है इसका है, तो जरा हम देखते हैं, जीरो वर्क पे ज्यादा पूछ रहा चीज है। तो देखो बेटा याद रखना, जब कभी भी कोई भी चीज स्केलर होगी वो हमेशा कॉस्ट डिपेंडेंट होती है, और कॉस्ट डिपेंडेंसी की खासियत यह है 90 पे जीरो होता है और जीरो पर मैक्सिमम होता है। देखते हैं, इसने कहा द लाइन थ्रो द चार्ज ऑफ द डायपोल, सेकेंड को छोड़ते हैं, इन सबको छोड़ दो, फिर ये आ गया परपेंडिकुलर टू द डायपोल, परपेंडिकुलर का मतलब एंगल कितना 90 डिग्री, यही तो बोला था कॉस 90 पर क्या होता है जीरो होता है, और हमें पता है वर्क किस पे डिपेंडेंट होता है कॉस पे, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है स्केलर फंक्शन है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया द्विध्रुवीय पल के लंबवत है। ओके फिर अगला 72 A hollow metal sphere charged to the potential. भैया देखो सीधी सी बात है, किसी भी चार्ज उसके अंदर चले जाओ, तो यहां पर जो हम डायग्राम बनाते हैं वो ये बनाते हैं कि इस पूरे के अंदर चार्ज को हम कांस्टेंट मान के हम ये मानते हैं इस पूरे के अंदर इक्वली पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके बाहर 1/r का रेशियो होता है, तो जब कभी भी इस स्फीयर का बनाया जाता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है कि जहां तक इसकी सरफेस होती है इसको इस तरह से रखा जाता है, और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बाहर 1/r के, तो ये घटता है,
तो इसका चार्ज भी हमारा कुछ इस तरह का बनता है बेटा, ये रेडियस होगी और इसके बाहर ये घट गया, ये किसका, बी और आर का। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी सेल के अंदर क्या होती है, जीरो। इसका जो हम बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि ये अंदर क्या है, जीरो होगी और यहां से स्टार्ट होगा ये ई और आर का, क्योंकि ई इंटेंसिटी जो होती है वो 1/r² के बराबर होती है। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन जाता है अगर से ज्यादा इसने पूछ लिया तो। हमें पता है कि किसके अंदर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ये देखो कॉन्स्टेंट है या नहीं है, डायरेक्ट कर दो बी, बाहर भी है तो अंदर भी है। ठीक है, ओके भाई अगला बढ़ते हैं। इसने कहा कि एक गर्म और ठंडी चीज को वैक्यूम में अलग किया जाता है, इनमें से किसका टेम्प, इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज, मतलब गर्म चीज के ठंडे होने के पीछे रीजन क्या है। सबको पता है यार, यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना, इसने मुझे बोला, इसने मुझे क्या, इसने आपको बोला है, इसने एक सिंपल सी बात बोली, इसने कहा कि हमारे पास एक गर्म चीज है और एक ठंडी चीज है, ठीक है ना, रखी हुई है अलग अलग। ठीक है, अब इसमें कौन सी ठंडी होगी, इसने कहा कि तापमान में जो कमी आती है वो ठंडी चीज में आती है। तो मुझे क्वेश्चन का जवाब दो तुम लोग कि किसकी वजह से हो सकता है, सोचो कि क्या हो सकता है यहां पे। कन्वेक्शन, मतलब आप ये समझ के देखो, कन्वेक्शन का मतलब होता है हॉट एयर का ऊपर जाना, ठंडी एयर का नीचे आना, है ना, यही होता है। तो वहां पर ट्रांसफर चल रहा है, लेकिन रेडिएशन, अब जरा सोच के देखना, यहां पर रेडिएशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, रेडिएशन का मतलब है हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, ठीक है ना, चाहे मीडियम हो उसके पास ना हो। यहां पर गर्म ऊपर जाएगी, ठंडी नीचे आएगी, लेकिन यहां इसने नहीं बोला, इसने कहा कि वैक्यूम में रखा है कि ठंडी क्यों ठंडी हो रही है, वो ठंडी इसलिए हो रही है क्योंकि वो हर वक्त अपनी हीट को क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है, और जब तक कोई चीज अपनी हीट को रेडिएट नहीं करेगी वो ठंडी कैसे हो सकती है। तो हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, रेडिएशन। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इसने दिया है कि भैया टेम्परेचर फॉरनहाइट और इसका, तो अगर किसी को याद हो तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, हायर माइनस लोअर सी अपॉन 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन 9, वहां से आया था अननोन माइनस लोअर अपॉन हायर माइनस लोअर, तो यहां से हमारे पास सी बराबर क्या आ गया, 5/9 एफ माइनस 32। अब देखते हैं इससे कौन सा आंसर आता। अच्छा फॉरनहाइट बोल दिया तो उल्टा कर लो, 5/9 की जगह 9/5 कर दो, आगे डायरेक्ट। ठीक है चलो आगे बढ़ दो। इसने मुझसे कहा कि भाई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है किसी उसमें ट्रांजिस्टर में, देखो पी से पेंटा, पी से पी टाइप, है ना, ऐसा हो सकता है, नहीं उल्टा है, पेंटावेलेंट है ना, पेंटावेलेंट का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो बेटा वो नेगेटिव टाइप कह दो, एन टाइप कह दो, कुछ भी कह दो, तो याद रखना वो क्या हो जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर हो जाता है बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सबको क्लियर है या नहीं है। तो पुत्र सुनो, ये हमारे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना, दो क्वेश्चन ग्राफिकल रिलेटेड होते हैं जो जनरली आते ही आते हैं, आपको बस ऑप्शन को पढ़ना। और बेटा मेरे बहुत सारे बच्चों की एक दिक्कत होती है कि दो क्वेश्चन के ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, तुम गलती निकालने में एक्सपर्ट होते हो, सही ऑप्शन मत ढूंढने की कोशिश करो, ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करो कि इसमें गलत क्या है, गलत किस फैक्ट पे हो सकता है। जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा ना कि कोई चीज गलत किस फैक्ट पे हो सकती है, तो तुम्हें सही ढूंढना भी आ जाएगा, और मुझे लगता है यहां से गलती करने के चांस थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, एनडीए के एग्जाम के लिए मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक देता हूँ सभी को, थैंक यू क्लास। जय हिंद एवरीवन, आई एम तरन्नुम खान, फैकल्टी ऑफ साइंस एट डीडीए। टुडे इज द सॉल्यूशन ऑफ मॉक टेस्ट 5 हियर। फर्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल का फंक्शन पूछा है, तो बाइल मेनली लीवर में प्रोड्यूस होता है और फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है लाइपेज के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो और फूड को अल्कलाइन बनाने का काम भी करता है। पहला ऑप्शन बोला है फैट इमल्सिफिकेशन, सेकेंड रिलीज ऑफ एक्सक्रेटरी सब्सटेंस, थर्ड डाइजेशन बाय एंजाइम्स, फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव फंक्शन। तो बाइल किस में काम करता है, फैट इमल्सिफिकेशन में, यानी कि फैट का डाइजेशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस बाय, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से होना स्टार्ट हो जाता है, सलाइवरी अमाइलेज करता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है जो कि एमाइलोप्सिन करता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कंट्रोल ग्रोथ एंड बॉडी वेट, कौन सा मिनरल बॉडी वेट और
ग्रोथ को कंट्रोल करता है। सो आयोडीन मेनली बॉडी वेट और ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करता है। सो आंसर विल बी ए आयोडीन। नेक्स्ट इज इन विच किंगडम ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर कैप्ट। कौन से किंगडम में सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं? तो प्रोकैरियोटिक का मतलब सभी बैक्टीरिया के बारे में बात की जा रही है, तो सभी बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में रखे गए हैं। सो आंसर विल बी ए मोनेरा। नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट डोंट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन। यानी ऐसे प्लांट्स जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, मतलब कि पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, ना तो उनमें स्टेम है, ना लीफ है, ना ही रूट्स हैं, तो ऐसे प्लांट्स कौन से पार्ट में प्लेस किए गए हैं? ऐसे प्लांट्स जिनमें प्रॉपर बॉडी फॉर्म्ड नहीं होती उन्हें थैलस कहते हैं, यानी कि थैलोफाइटा। इसके अंदर सारे एल्गीज आते हैं। सो आंसर विल बी ए थैलोफाइटा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? तो वो एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, उन ऑर्गेनिजम्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं, और ये मेनली मैमल्स और बर्ड्स होते हैं। सो आंसर विल बी बी मैमल्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। इन डिजीज में से कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है? पहला है डेंगू, स्कर्वी, टाइफाइड फीवर, वूपिंग कफ। सो स्कर्वी एक ऐसी डिजीज है जो विटामिन सी की कमी के कारण होती है, इसलिए ये इन्फेक्शियस नहीं है। बाकी डेंगू, टाइफाइड फीवर, वूपिंग कफ तीनों इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। नेक्स्ट द जेनेटिक मटीरियल ऑफ बैक्टीरिया इज फाउंड इन। जेनेटिक मटीरियल यानी कि डीएनए के बारे में पूछा है कि बैक्टीरिया का डीएनए कहाँ पे प्लेस्ड होता है। तो बैक्टीरिया में ऑर्गेनेल्स ज़्यादा प्रेजेंट उसमें नहीं होती हैं, उसका न्यूक्लियस भी उसके अंदर एब्सेंट होता है, तो डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और जिस रीजन पे वो प्रेजेंट होता है उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सो आंसर विल बी बी हेयर साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन ऑकर्स लाइक यंग रूट्स एंड डेवलपिंग शूट बर्ड्स। सो प्लांट में मेनली सेल डिवीजन का काम जो करता है वो है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन ही शूट्स और रूट्स को फॉर्म करने का काम करता है। बाकी अगर टिप की बात करते हैं तो हमेशा टिप पार्ट पे जो सेल डिवीजन होती है वो ऑक्सीजन के थ्रू होती है मेनली। आंसर विल बी सी साइटोकाइनिन है, क्योंकि शूट में डिवीजन के बारे में पूछा है। नेक्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स में होती क्या है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होती हैं जो हमेशा लाइफ टाइम डिवाइड करती रहती हैं और प्लांट्स में ग्रोथ करवाती रहती हैं, लेकिन हर जगह पे अलग तरीके से ग्रोथ कराती है। मतलब अगर टॉप पार्ट पे है तो एपिकल लेंथ बढ़ाने का काम करती है, लेटरल उसकी गर्थ यानी ब्रेथ बढ़ाने का काम करती है। तो मेनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्स्ट बोला है लोकलाइज्ड एंड परमानेंट, तो परमानेंट नहीं होती। सेकेंड में बोला है नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, तो ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर रीजन पे वो लिमिटेड नहीं हो। थर्ड बोला है लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स, तो एक ही जगह पे पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर तरीके से वो ग्रोथ करती हैं। सो लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इनमें से कौन सा एनिमल सेल में एब्सेंट है? सो ऑप्शन इज ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी न्यूक्लियस, सी साइटोप्लाज्म एंड डी प्लास्टिड। सो एनिमल्स में कौन सा एब्सेंट होता है ये पूछा है आपसे, तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म तीनों के तीनों एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। जो प्लास्टिड्स होती हैं वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। इसके अलावा सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं।
नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एम शेल। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? तो नील बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें उन्होंने के एल एम से रिप्रेजेंट किया है। सो के एल एम के अकॉर्डिंग एम जो है वो थर्ड शेल कहलाता है, और टू एन स्क्वायर फॉर्मूला बोला था जिसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर्टिकुलर शेल में फिल होते हैं, पर्टिकुलर ऑर्बिट में फिल होते हैं। एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को, सो एम जो है वो थर्ड शेल कहलाता है। तो एन की जगह अगर 3 लिखे तो आंसर विल बी सी 18। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज कॉल्ड एक्वा रेग्या? कौन से मिक्सचर को एक्वा रेग्या बोलते हैं? तो 3HCl प्लस 1HNO3 कंसंट्रेशन को एक्वा रेग्या बोला जाता है। सो आंसर विल बी डी 3HCl कंसंट्रेटेड प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड। नेक्स्ट, मार्क द स्मॉलेस्ट आयन अमंग द फॉलोइंग। स्मॉलेस्ट आयन इन फॉलोइंग में से चूज करो। पहला है O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, F नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाता है उतना ही साइज छोटा होता है, और जितना नेगेटिव साइज बढ़ता है उतना साइज ज्यादा होता है। सो आंसर विल बी डी Na पॉजिटिव हेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द हजार्डियस पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैसेस? यानी कि कौन से हजार्डियस पॉल्यूटेंट होते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैसेस में? पहला है नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड फोर्थ इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो सेकंड एंड फोर्थ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पॉइजनस गैसेस होती हैं। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर? वाटर, एसिटिक एसिड, HCl। सो HCl सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, तो सबसे पहले एसिडिक जो होता है वो HCl है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके बाद में एसिटिक एसिड जिसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ये वीक एसिड होता है। वाटर न्यूट्रल होता है, सो फर्स्ट विल बी द आंसर HCl, एसिटिक एसिड एंड वाटर। नेक्स्ट, ब्राइन इज एन, ब्राइन क्या होता है? तो ब्राइन एक एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का। सो आंसर विल बी सी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज बोथ मेलिएबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी प्रॉपर्टी? यानी कि कौन सा मेटल ऐसा है जो मेलिएबल है, यानी कि शीट में कन्वर्ट हो सकता है और वायर में भी कन्वर्ट हो सकता है? सोडियम, गोल्ड, सीजियम और मर्करी। सो आंसर विल बी बी गोल्ड। नेक्स्ट इज, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्ड लिक्विड मिक्सचर? यानी कि कलर्ड लिक्विड सब्सटेंसेस को हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है? तो क्रोमेटोग्राफी के हेल्प से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सो आंसर विल बी क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? ओजोन, ड्यूटेरियम, हैवी वाटर एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। सो हैवी वाटर को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। सो आंसर विल बी सी हैवी वाटर। नेक्स्ट, द गैस यूज टू इन्फ्लेट द टायर्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में कौन सी गैसेज यूज की जाती हैं? तो मेनली नाइट्रोजन और हीलियम का हम इस्तेमाल करते हैं। आंसर विल बी बी नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट ऑफ आयोनिक सॉल्ट बिकॉज? पहला बोला इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट बोला है इट हैज़ हाई डायपोल मोमेंट, थर्ड इज इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट एंड फोर्थ इज इट हैज़ नो कलर। सो वाटर गुड सॉल्वेंट इसलिए होता है क्योंकि उसमें डायपोल मोमेंट होता है। सो आंसर विल बी बी इट हैज़ हाई डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट, विच वन हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें से किस में प्रेजेंट है? मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के कारण होती है, और जो हाइड्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ये मेनली कंबाइन करता है। सो आंसर विल बी सी एच एफ।
नेक्स्ट केमिकली सोप कंसिस्ट ऑफ, सोप क्या होते हैं? फर्स्ट तो मेनली सोप जो होते हैं वो पोटेशियम और सोडियम के हाईली फैटी एसिड चेन को कंसिस्ट करते हैं. पहला बोला है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड बोला है सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, थर्ड इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोलिक एसिड एंड फोर्थ वन इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड स्मॉल चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. सो आंसर विल बी बी, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड. नेक्स्ट इज कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ. तो कैथोड रेज नेगेटिव होती हैं, नेगेटिव चार्ज कंटेन करती हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. सो कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. थैंक यू. हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद. मैं जी एस बिस्ट, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडी एंड रागा फ्रॉम दून डिफेंस अकेडमी देहरादून. बच्चों, जैसे आपको सभी को पता होगा कि आजकल दून डिफेंस अकेडमी में जो है हमारे मॉक टेस्ट शुरू हो चुके हैं, है ना? और मॉक टेस्ट जो हो रहे हैं पर डे, उनका सॉल्यूशन है ना हर टीचर जो है आप तक पहुंचा रहा है, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, चाहे वो लाइव सेशन में हो. उसी के सिलसिले में आज मैं एक मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ, मॉक टेस्ट नंबर 5, है ना? आप अपने पेपर को सामने रख के जो है उसको क्रॉस चेक करें, है ना? जो अदर उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है उसको साइड में नोट डाउन भी करें, है कितने उसमें आपके सही हैं कितने गलत हैं. एनडीए का जो पेपर है बेटा, जीएटी का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है उसमें, और उसमें जीएस के 50 क्वेश्चन हैं आपको पता है, और उस 50 क्वेश्चन में अगर आप अच्छा खासा रोल अचीव करते हो तो डीडीए में जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको आपको जो है अटेंड करना ज़रूरी है. ठीक है, तो आइए चलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 5 में. जो जीएस का जो पार्ट रहेगा, जीएस का पार्ट 101 से शुरू है, 101 से. 101 में पहला क्वेश्चन लिखा है, विद द रेफरेंस ऑफ मनसबदारी सिस्टम विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, है ना? मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में, मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बोला है. मनसबदारी सिस्टम आपने नाम सुना होगा, तो मनसब पहला लिखा है, मनसबदारी सिस्टम वॉज ऑफिशियल नॉबिलिटी ऑफ द स्टेट, है ना, स्टार्टेड बाय अकबर. क्या मनसबदारी प्रथा जो है, मनसबदारी जो प्रणाली है, अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, है ना, कुलीनता के आधार पर. दूसरा लिखा है, आ मनसबदारी वॉज हेरिडिटरी, यानी मनसबदारी जो है एक वंशानुगत था. ठीक है, तो चले आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हाँ जी, अकबर ने शुरू किया था 1575 के आसपास मनसबदारी सिस्टम अकबर ने शुरू किया था, और ये दो टाइप का मनसब हुआ करता था. ठीक, दो टाइप का मनसब हुआ करता था, एक का नाम था जात, एक हुआ करता था जात. ठीक है, एक मनसब का मतलब था जात, और एक का मतलब था सवार. ठीक है, एक मतलब मनसब का मतलब है सवार. दो टाइप का मनसब हुआ करता था, एक जात और एक सवार. अकबर ने इसको शुरू किया था. अगर हम जात को बात करें तो जात इंडिकेट करता था रैंक को. ठीक है ना, क्या करता था, रैंक, उसकी रैंक क्या है. ठीक है, और जो सवार है, सवार जो है इंडिकेट करता था घुड़सवार को. सवार जो है घुड़सवार को, क्लेवरी जिसको बोलते हैं, घुड़सवार रैंक को जो है क्लेवरी रैंक को इंडिकेट करता था. ठीक है, तो ये अकबर के द्वारा ये मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी. दो टाइप के आपके क्या थे, मनसब हुआ करते थे, और ये मैंडेट आपका हेरिडिटरी नहीं हुआ करता था. ये मनसबदारी जो है वंशागनुगत नहीं था बेटा. तो इसका मतलब है कि 101 का आपका पहला आंसर सही होगा. क्लियर हुई बात. नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 में. 102 जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी निम्नलिखित जो कथन दे रखे हैं उसके बारे में आपको जो है विचार करना है. ठीक है, इन शिवाजी डोमेन चौथ वॉज मेनली अ मिलिट्री कंट्रीब्यूशन. ठीक है ना, शिवाजी के क्षेत्र में चौथ मुख्य रूप से एक सैन्य योगदान हुआ करता था. ठीक है, शिवाजी के आपका कार्य क्षेत्र के अंतर्गत या शासन क्षेत्र के अंतर्गत एक सैन्य योगदान हुआ करता था. एंड शिवाजी डिमांडेड सरदेशमुख ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्लेम एज द हेरिडिटरी, है ना, सरदेशमुख ऑफ मराठा. ठीक है, महाराष्ट्र. ठीक, शिवाजी ने महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के वंशानुगत सरदेशमुख के अपने दावे के आधार पर
सरदेश मुखी की मांग की थी। अपने दावे के आधार पर था, मतलब है कि जिसका उस समय टाइम चलता था। तो शिवाजी के शासनकाल में या मराठों के शासनकाल की बात करेंगे बेटा, तो चौथ और सरदेश मुखी दो इंपॉर्टेंट आपका जो है टैक्स हुआ करते थे, है ना, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। चौथ का मतलब है एक चौथाई, या फिर हम बोल सकते हैं 25% पार्ट, है ना, और सरदेश मुखी उसके ऊपर कितना लिया जाता था, 10% पार्ट। क्लियर? तो ये सरदेश मुखी तो वंशानुगत जितना आपका जो है जिसका टाइम चल रहा था वंश के आधार पर वो वसूला करता था, सरदेश मुखी, और जो चौथ था ये आपका एक मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ करता था। इसमें बेटा दोनों सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसमें क्या थे, दोनों के दोनों सही है, ए और बी दोनों के दोनों सही है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। शिवाजी लिखा हुआ है, विद विच मुगल जनरल डिड शिवाजी साइन द फेमस ट्रीटी ऑफ पुरंदर। यानी शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ 1665 में, 1665 में लिखा है, 1665 में पुरंदर की प्रसिद्ध संधि की थी। पुरंदर की संधि आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, 1665 में हुई थी, मराठों के और मुगलों के बीच में हुई थी। तो यहां पर लिखा है मुगल जनरल जो मुगलों की तरफ से जो है इस ट्रीटी में भेजे गए थे वो थे कौन बेटा, जयसिंह। कौन? जयसिंह। राजपूत शासक हुआ करते थे जयसिंह। तो जयसिंह जो है मुगलों की तरफ से जो है पुरंदर की संधि पर शिवाजी के साथ हस्ताक्षर करने वाले थे, पुरंदर की संधि पर। और इस संधि के तहत जो है शिवाजी ने 23 किले 23 फुट जो है मुगलों को देने के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है ना, 23 किले जो है मुगलों को देने के लिए तैयार हो गया था। कौन? शिवाजी। क्लियर? तो किसके साथ हुआ था, जयसिंह के साथ, याद रखेंगे आप। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 104 है, ये मैच करना था आपको, और मैच करने के बाद ये क्वेश्चन बन जाता था अगर आप थोड़ा इस पर दिमाग लगाते, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ये ट्रैवलर के बारे में दे रखा है ना, कि कौन सा यात्री कहाँ से आया था, ठीक है। तो जैसे बारबोरा ले रखा है, तो बारबोरा कहाँ से था, ये पुर्तगीज था, बारबोसा कहाँ से था, पुर्तगीज से था। यानी पहले का आपका फोर्थ है, ठीक है, पहले का क्या है, फोर्थ है, पहले का आंसर क्या है, फोर्थ है। उसके बाद निकोलो कॉन्टी दे रखा है, निकोलो कॉन्टी जो कि इटालियन था बेटा, कहाँ से था, ये इटालियन था, ठीक है। फिर अब्दुल जो रजाक था, अब्दुल रजाक कहाँ से था, अब्दुल रजाक जो अपने आप में ये पर्शियन था, कहाँ से था, पर्शियन था, ठीक। और जो निकितिन है, निकितिन अपने आप में कौन थे, अब रूसी थे, कौन थे ये, रूसी। तो इसका आंसर होगा अगर हम देखा जाए तो इसका आंसर हमारा बनेगा क्या, पहले का इसका आंसर पहले का फोर्थ था, ठीक है ना, पहले का क्या था, फोर्थ आंसर होगा बेटा इसका, थर्ड आंसर क्या होगा, थर्ड, पहले का फोर्थ, ठीक है। इसको थोड़ा अगर छोटा कर दें हम तो छोटा कर सकते हैं इसको, अब दिख जाएगा ही, ठीक है। तो ये पहले का हो गया बेटा क्या, फोर्थ, है ना, पहले का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। फिर दूसरे का दूसरा, तीसरे का फर्स्ट, और चौथे का थर्ड। तो इसका आंसर क्या होना, इसका आंसर होगा सी। इतनी बात क्लियर हुई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में दे रखा बेटा, क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, है ना, निम्नलिखित के रूप में गलत कथनों का चयन करें आप, जो गलत है, ठीक है। तो इसमें लिखा, द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। हाँ जी, घग्गर और घाघरा भी बोल सकते हैं, घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में गंगा प्लेन है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। द ब्रह्मपुत्र प्लेन लाई यानी पर्टिकुलरली इन असम, है ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का जो है ब्रह्मपुत्र मैदान है, असम में बेसिकली ये बिलोंग करता है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। द पंजाब प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, यानी जो पंजाब प्लेन है वो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी से बना है, ये भी बिल्कुल सही है। द इंडस प्लेन इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, है ना, पार्टली इन झारखंड ऑल्सो।
अब आपको पता है कि सिंधु नदी का जो मैदान है वो गंगा आपका हरियाणा दिल्ली बिहार राज्यों में तो फैला ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर गलत जो होगा वो क्या होगा बेटा, डी। डी इसका आंसर गलत है, बाकी सारे के सारे क्या है, सही है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 106। अगर 106 की हम बात करेंगे तो अरेंज द फॉलोइंग घाट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अरेंज द फॉलोइंग घाट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, यानी नॉर्थ से साउथ में मिलाना है। अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये दोनों महाराष्ट्र में, पुणे मुंबई के बीच और पुणे नासिक के बीच, क्लियर। और पालघाट जो है ये केरल और किसके बीच में है, ये केरल एंड किसके बीच में है, तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है, केरल और तमिलनाडु। तो इसमें से जो महाराष्ट्र में है वो नॉर्थ में सबसे पहले क्या है, तो नॉर्थ में सबसे पहले आएगा बेटा इसमें क्या, थालघाट। नॉर्थ में सबसे पहले क्या आएगा, नॉर्थ में आएगा इसमें थालघाट। इतनी बात क्लियर हुई। थालघाट के बाद क्या आएगा, भोरघाट और फिर पालघाट। इसका आंसर होना चाहिए था क्या, ए। इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ए। इतनी बात समझ में आई, डन। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में लिखा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 107 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। विद एबिलिटी ऑफ ब्लैक सोयल इन पेनिनसुलर प्लेटू द एरिया इज नॉन ए डक्कन ट्रैप, यानी प्रायद्वीपीय पठार में जो काली मिट्टी है ना बेटा, प्रायद्वीपीय पठार में जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी की उपलब्धता के कारण यह क्षेत्र दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, पहला है ना। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजन, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस, यानी एक ज्वालामुखी का आपका क्षेत्र है, इसलिए यहां पर चट्टानी आग्नि होती है। तो आप जानते हैं वॉल्केनो, आपने पढ़ा होगा बच्चों, तो वॉल्केनो में आपको पता है कि जहां पर वॉल्केनिज्म होता है ना, वहां पर जो है हमेशा ब्लैक सोयल मिलती है, ठीक है। और जहां ब्लैक सोयल मिलती है वहां पर बेसाल्ट क्या मिलती है, रॉक्स मिलती है। और बेसाल्ट रॉक्स अपने आप में किसका एग्जाम्पल है, आग्नेय रॉक्स का, क्लियर। तो बच्चे इसमें दोनों सही है, डक्कन ट्रैप हम यहां पर जो है एवेलेबिलिटी जो ब्लैक सोयल है उसके आधार पर इसको डक्कन ट्रैप बोलते हैं, ये भी सही है। और दूसरी जो आपका ये रीजन है, यहां पर वॉल्केनो था इसलिए यहां पर जो इग्नेस रॉक्स मिलती है, तो बोथ वन एंड टू इसका आंसर होना चाहिए था। इसमें दोनों के दोनों क्या है बच्चे, सही है। क्लियर हुई बात, इसमें दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो इसका आंसर होगा क्या, 107 का इसका आंसर होगा बोथ, यानी सी वन एंड टू। इतनी बात क्लियर हुई, सी वन एंड टू इसका आंसर है, डन। उसके बाद है नीचे अगला जो क्वेश्चन नंबर 108 है, इसमें बेटा आपको मैच करना है, रिवर दे रखी है, रिवर के साथ साथ आपको जो है उनका ओरिजिन पॉइंट दे रखा है कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले नर्मदा रिवर की, तो नर्मदा रिवर एमपी के अमरकंटक से निकलती है, ये बिल्कुल सही है नर्मदा रिवर का ओरिजिन। ताप्ती रिवर का अगर बात करेंगे तो एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन होता है ताप्ती रिवर। दोनों वेस्टवर्ड रिवर है, ये आपको पता होनी चाहिए, नर्मदा सबसे लंबी है वेस्टवर्ड इंडिया की सबसे, और दोनों ताप्ती हो गया और नर्मदा हो गया, ये दोनों रिफ्ट वैली यानी ब्रंस घाटी से होकर बहती है, ठीक है ना। उसके बाद महानदी रिवर की, सॉरी महानदी रिवर की अगर बात करेंगे तो सेंट्रल हाइडेन यानी छत्तीसगढ़ वाले पार्ट से निकलती है ना। उसके बाद गोदावरी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के जो है त्रिंबकेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र का। और कृष्णा रिवर की बात करेंगे तो बेटा ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, क्लियर। तो बस यहां पर हो जाएगा हमारा आंसर, पहले का हो जाएगा क्या बेटा, फोर्थ। तो पहले का फोर्थ तो सब में है, उसके बाद दूसरे का दूसरा हो जाएगा, तो ये दो तो ऐसे ही बाहर हो रहे हैं, फिर तीसरे का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का दूसरा, सॉरी ये दो बाहर हो रहे हैं ऊपर वाले, ये नहीं हो रहे नीचे वाले, तीसरे का तीसरा हो जाएगा दोनों में है, और चौथे का आपका फिफ्थ हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा बेटा, सी। आंसर क्या बनेगा, सी, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है, 109 की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या लिखा है, 109 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी निम्नलिखित राज्यों पर जो है आपको विचार करना है, क्लियर।
तो ये लिखा मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इन बिहार स्टेट, यानी बिहार स्टेट की जो है सर्वाधिक आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है। बिल्कुल सही है भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पर, यानी 1102 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर में आपको यहाँ पर मिलेंगे, 1102 के आसपास। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरा लिखा है केरला हैज़ द मैक्सिमम सेक्स रेशियो, यानी केरला का जो है मैक्सिमम सेक्स रेशियो है। बिल्कुल सही है, केरला का मैक्सिमम सेक्स रेशियो है अभी 2023 का जो डाटा है, लगभग 22-23 का, तो ये है लगभग 1084 महिलाएं हैं कितनों पे, 1000 पुरुषों पर, 1084 है ना, ये भी बिल्कुल सही है। केरला हैज द मैक्सिमम लिटरेसी रेट, बिल्कुल सही है ये भी, केरला का जो है लगभग 94% लिटरेसी रेट है। सॉरी, ठीक है, तो बेटा सारे के सारे आपका सही है, तो आंसर इसमें क्या होना चाहिए था, आंसर डी होना चाहिए था। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 में लिखा हुआ है मृच कटेगा, है ना, वॉज रिटर्न बाय, मृच कटेगा जो है किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। मृच कटेगा एक बुक है, ठीक है, तो अगर एंसेंट थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा तो शूद्रक के द्वारा जो है, या शूद्रका के द्वारा जो है ये मृच कटेगा लिखी गई थी। इसका आंसर है क्या, बी, ठीक है ना, इसका आंसर क्या है बच्चे, बी। बुक का नाम थोड़ा सा एज इट इज याद रख सकते हैं आप, कभी कभी ये जो है एनडीए में भी कुछ बुकें पूछी जा सकती है, ठीक है ना, पूछते आए हैं भाई यूपीएससी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा है थोड़ा क्लास में, अगर ध्यान से देखा होगा। सॉरी, यहाँ पर जो है कुछ नेशनल पार्क के नाम दे रखे हैं, ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इनको आपको सुमेलित करना है, ठीक है, कि कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक, अगर हम बात करेंगे अगस्त्यमलाई नेशनल पार्क केरला में है, ये बिल्कुल सही है अगस्त्यमलाई, ठीक है ना। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ है, सिक्किम में है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर, नंदा देवी आपका कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो मानस नेशनल पार्क है ये मेघालय में नहीं आता बच्चे, सॉरी, मानस नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा, ये असम में पड़ेगा, ठीक है, मानस कहाँ पड़ेगा, असम में पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ए आंसर होना चाहिए था, ए गलत है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैव मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी, यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में जो है सर्वाधिक क्या सर्वाधिक जो है वनों की विविधता पाई जाती है। सॉरी, ठीक है, सर्वाधिक वनों की क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इसमें चार ठो ऑप्शन लिखा हुआ आपके पास, ट्रॉपिक वेट डेसिडियस फॉरेस्ट लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है उपोष्ण पर्वत वन माउंटेन फॉरेस्ट है, उसके बाद लिखा है टेम्परेट ह्यूमिड फॉरेस्ट लिखा हुआ बेटा, और एक चौथा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्लियर, तो इसमें आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी कहां मिलती है, तो यह आपको देखना। सॉरी, आज थोड़ा खांसी हो रही है ना। ट्रॉपिक वेट डेसिडियस फॉरेस्ट, इसका आंसर बेटा क्या होगा, ए, इसका आंसर होगा ए, ट्रॉपिक वेट डेसिडियस फॉरेस्ट। सॉरी, क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, द ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी ब्लू नाइल जो नदी है वो कहां से निकलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जो ब्लू नाइल नदी है वो कहां से निकलती है ये आपको बताना है। ठीक है, एक व्हाइट नाइल है और एक ब्लू नाइल है, ठीक है, एक व्हाइट नाइल है और एक ब्लू नाइल है, व्हाइट नाइल है और एक ब्लू नाइल है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल जहां पर दोनों मिलती है ना, ये आपका सूडान का खार्तूम है, याद रखना, कौन सी जगह पे मिलती है,
खार्तोम में। कहाँ पड़ता है? सूडान में। सूडान कहाँ पड़ता है? सॉरी, आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। जो व्हाइट नाइल है बेटा, ये विक्टोरिया से निकलती है, लेक ऑफ विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक से निकलती है, ठीक है। और जो आपका ब्लू नाइल है, ये टाना लेक से निकलती है, ठीक है, टाना लेक से निकलती है। ये विक्टोरिया लेक से निकलती है, टाना लेक से निकलती है, खार्तूम जो सूडान का है वहां पर मिलती है, और उसके बाद इसको जो है नाइल रिवर कहते हैं। वर्ल्ड की सबसे लंबी है नाइल रिवर। और ये जाकर कहां कहां पर गिरेगी? ऊपर मेडिटेरियन सी में, ठीक है, आपका इजिप्ट होते हुए जाती है, इसीलिए इसको मिस्र का वरदान भी कहते हैं, है ना। इसका आंसर क्या होगा बेटा? टाना झील, ठीक है। नेक्स्ट है कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम किसके द्वारा लिखा गया? कुमार संभवम एपिक वॉज कंपोज्ड बाय, ठीक है ना, कुमार संभवम एक एपिक है, एक महाकाव्य है। ये किसके द्वारा लिखा गया ये आपको बताना है। बाणभट्ट है, हरिसेन है, चंद बरदाई है, या कालिदास है? कुमार संभव, याद रखना, संस्कृत में लिखा गया है कालिदास के द्वारा, ठीक है, कालिदास के द्वारा। हिमालय का इसमें वर्णन मिलता है, शिव पार्वती के बारे में मिलता है, ठीक है, कुमार संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोस्टल इरोजनल फीचर्स, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तटीय अपरदन क्षरण है? मतलब अपरदन क्षरण का मतलब क्या होता है कि कौन जो है इरोड कर जो है, या इरोजन के द्वारा जो है ये लैंड फॉर्म बने हैं। जैसे आपको पता है नॉच, ठीक है, तो आपने सी या ओशन के किनारे देखा होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से कुछ बना है, ये लैंड है, ठीक है, इस टाइप से ये तो लैंड है, ठीक है, और ये यहां पर वाटर बॉडी ने इसको जो है इरोड कर दिया, इसको बोलते हैं नॉच, कटा हुआ, ठीक है, अंदर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं? नॉच बोलते हैं। सॉरी। और सी आर्क आपको पता होगा, सी आर्क क्या होता है कि जो लैंड है वो लैंड कुछ इस टाइप से बना है, ठीक है, आर्क की तरह, ठीक, ये जो रॉक्स है, ये रॉक्स अंदर से जो है ये पूरा का पूरा लैंड वाला एरिया है, और अंदर से इधर से जो है पानी पास हो रहा है, अंदर से इस साइड को, है ना, आसपास क्रॉस हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं सी आर्क, ये भी इरोजन का ही पार्ट है, ठीक है। फिर है क्लिप्ट, अगर हम क्लिप्ट की बात करते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर जो है एक लैंड है जैसे ये, ठीक है ना, एक लैंड है, ये कोई लैंड है, तो परपेंडिकुलर जो है ये खड़ी ढाल इस पर रहेगी, ये कटा हुआ होगा इस टाइप से, किसके द्वारा कटा होगा? ये सी या ओशन के द्वारा जो है, ऊपर से जैसे लैंडस्लाइड होती ना ऐसे, है ना, तो कटा होगा होगा, है ना, इरोड करके, ओशनिक जो करंट होता है उसके चलते, बैकवर्ड मोशन में जब चलता है तो उसके चलते जो है ये कट जाता है, ठीक है। तो नॉच हो गया, क्लिफ हो गया, सी आर्क हो गए, है ना, ये सारे के सारे जो है क्या है, ये कोस्टल इरोजन है, ठीक है ना। जबकि जो हुक है ना, ये हुक डिपोजिशन है, ठीक है, किसका? विंड का। तो ये भी कोस्टल रीजन में बनेगा, लेकिन बेटा ये डिपोजिशन है। इतनी बात क्लियर हुई? तो इसमें कौन सा सही होना था? एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन, एक मिनट जरा, खांसी हो रही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 116 में देखा है, अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग फेयरली यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा इज कॉल्ड, ठीक है, हवा का एक बड़ा पिंड जिसमें काफी समान, हवा का एक बड़ा पिंड जिसमें काफी समान तापमान और आर्द्रता
आदि होती है उसको क्या बोलता है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म टेम्परेचर की बात कर रहा है, ठीक है ना, एंड उसके साथ साथ क्या ह्यूमिडिटी। एक लार्ज बॉडी है जिसमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर है ना और उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी यानी समान तापमान पाया जाता है और उसके साथ आर्द्रता भी होती है, उसको साइक्लोन बोलते हैं, एंटी साइक्लोन बोलते हैं, या एयर मास बोलते हैं, या एयर आपका पार्स बोलते हैं, या एयर पार्सल बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा बेटा वो है क्या, एन एयर मास, क्या है, एक वायु राशि एक वायु राशि नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ विंड डिटरमाइंड बाय, पवनों का जो वेग है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है, पवनों का जो वेग है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है, टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलेगा तो प्रेशर में भी डिफरेंस आएगा भाई, आएगा प्रेशर में डिफरेंस आएगा तो जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं है ना, तो वो भी मूवमेंट में आ जाते हैं, जब मूवमेंट में आ जाते हैं तो या तो करंट बन जाता है या फिर आपका विंड बन जाती है ना, वही तो है, उसी को पीजीएफ बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो यही है, क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता। क्लियर, इसका आंसर होगा दाब प्रवणता। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 180, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 118, रोरिंग फोर्टीज आर द, यानी गरजदी जो चालीसा है वो किसका एक एग्जांपल है, हाई वेलोसिटी ट्रेड विंड है, ये हाई वेलोसिटी वेस्टर्न ईयर विंड है, हाई वेलोसिटी पोलर विंड है, या फिर हाई मैग्नीट्यूड टाइडल है, वेव है ड्यू टू हाई विंड वेलोसिटी है। क्या इसका आंसर होगा, ठीक है, रोरिंग फोर्टीज, नाम सुना होगा, रोरिंग फोर्टीज सुना होगा, रोरिंग फोर्टीज के, फोर्टीज के साथ साथ फ्यूरीज फिफ्टीज सुना होगा, सिंकिंग सिक्सटीज सुना होगा, ये सारे के सारे जो है वेस्टर्न या विंड के पार्ट है, यानी पछुआ पौने पश्चिमी पौने, इसका आंसर क्या है, ठीक है, आंसर होगा बी, ठीक, क्योंकि ये जो वेस्टर्न ईयर विंड है ये सदर्न हेमिस्फीयर में 40, 50 और 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास जब चलती है ना तो डिफरेंट टाइप की साउंड प्रोड्यूस करती है। क्लियर, ये आपको क्लास में बताया गया था। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एयर टेम्परेचर राइजेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी जब हवा का तापमान बढ़ता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, सैचुरेट एयर क्या होती है ना, तो ये आपको क्लास में पढ़ाया गया। तो यहां पर लिखा है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती या घटती है, जल्दी बताओ, या इस पर कोई चेंजेज नहीं होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, घटती है या बढ़ती है, या इस पर कोई चेंजेज नहीं होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी बेटा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी, क्या होगी, घटेगी, ठीक है, जब ताप बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द एटलीस्ट ग्लोबल पैटर्न ऑफ सरफेस विंड फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल, यानी निम्नलिखित में कौन भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सतही हवा का एक सॉरी आदर्शकृत वैश्विक पैटर्न है, लगाओ जरा इसको, कहां से कहां तक, इक्वेटर से पोल की तरफ, इक्वेटर से पोल की तरफ, देखो सबसे पहले डोल्ड्रम आएगा, है ना, सबसे पहले क्या आएगा, डोल्ड्रम आएगा, डोल्ड्रम के साथ साथ वेस्टर्न ईयर तो नहीं आएगा, ट्रेडविंड आएगा, ट्रेडविंड के साथ साथ वेस्टर्न ईयर आएगा और फिर ईस्टर्न ईयर आएगा, इसका आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा सी। इतनी बात क्लियर हुई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है, 121 में लिखा है विच एक्ट फॉर द फर्स्ट मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री,
किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? कौन सा अधिनियम था जिसमें जो है भारतीय लोगों को भी कुछ हिस्सेदारी दी गई थी? देखो, चार्टर्ड अधिनियम 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये वो एक्ट था बेटा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है ट्रेड राइट्स को 20 ईयर के लिए तो एक्सटेंड कर दिया गया था, है ना। पर ये भी डिक्लेरेशन हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अब ट्रेड राइट जो आपका दो राइट छोटे गए थे 1813 में चाइना के साथ ट्रेड और चाय का व्यापार, उनको भी फाइनली क्या कर दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था। तो वो कौन सा चार्टर्ड एक्ट था 1833 का, और यही वो एक्ट है जिसमें भारत के जो आपका बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, यही वो एक्ट था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसी एक्ट के तहत डिक्लेयर किया गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आप सभी जानते हैं कि डीपीएसपी जो है वेलफेयर स्टेट के लिए जाना जाता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है भारत में, है ना। तो राज्य यहाँ पर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी डीपीएसपी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी लाया गया भाई कहाँ से? आयरलैंड में। ठीक है, आयरलैंड से। लेकिन आयरलैंड के संविधान में भी डीपीएसपी का कोई प्रोविजन नहीं था, तो डीपीएसपी आयरलैंड ने अडॉप्ट किया है कहाँ से? स्पेन से। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 123, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, यानी भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कितने हैं, प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है। कितने हैं? 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितने हैं? 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन इनिशियली 8 थी, बाद में 4 और ऐड की गई। ठीक है, तो वो भी आपको पता देने है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे 10th में आप पढ़ते हैं, है ना, लैंड रिफॉर्म हो गया आपका, जमींदार एबोलिश जमींदारी सिस्टम एंड लैंड रिफॉर्म 9th में है, पंचायत 11th में है और म्यूनिसिपलिटीज आपका 12th में। तो यहाँ ये फोर्थ की बात कर रहा है कि फोर्थ में क्या है। फोर्थ में बेटा लैंग्वेज तो 8 में है, पंचायत 11 में है, ये 10 में है, तो आपका क्या बचता है? एलोकेशन ऑफ सीट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 में दे रखा है, हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, है ना, हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फैटर्निटी, है ना, दैट ऑर्डर हैज बीन मेंशनड इन द प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 124, इससे पहले कोई था नहीं, 124। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार का क्या है न्याय। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व है। न्याय कितने प्रकार का है भाई, बोलिए? 5 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 5। 5 प्रकार का न्याय है? नहीं, 3 प्रकार का जस्टिस, 3 टाइप, इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशलिस्ट। 3 प्रकार का आपका जस्टिस है, है ना, इक्वलिटी आपकी जो है 5 प्रकार की है, नहीं लिबर्टी 5 प्रकार की है, लिबर्टी कितनी है? 5 है, याद रखना, 5 लिबर्टी हो गई, जस्टिस 3 हो गए, इक्वलिटी आपकी 2 है और फैटर्निटी तो 1, बंधुत्व तो 1 ही है। आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा ए। इतनी बात क्लियर हुई? नेक्स्ट, भारत क्या है? एक गणतंत्र है। इंडिया इज अ रिपब्लिक विच एम्प्लॉयज दैट,
जिसमें अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है? आज खांसी ने बेटा परेशान कर दिया। चलिए अब देखो जरा, यहां पर रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र। भारत एक गणतंत्र है। क्यों है एक गणतंत्र? देश स्वतंत्र है इसलिए गणतंत्र है, जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार इसलिए गणतंत्र है। अंतिम संसद, अंतिम जो सत्ता है संसद में निहित है। नहीं भाई, यहां का जो हेड है वो कभी भी वंश के आधार पर इलेक्ट नहीं होता है ना, उसका इलेक्शन होता है। हेरिडिटरी नहीं है, वंशानुगत नहीं चलता है। राज्य का जो अध्यक्ष वो निर्वाचित होता है। खासकर बात कर रहे हैं, अगर गणतंत्र की बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल हमारा जो राष्ट्रपति है, डन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आर्टिकल कौन सा है जो एक्सप्लॉइटेशन करता है चिल्ड्रंस अंडर फंडामेंटल राइट्स? चाइल्ड लेबर की बात कर रहा है ना। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण, बच्चों के शोषण को एबोलिश करता है? आपको पता है 6 राइट्स है हमारे। थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। लेकिन बच्चों के कुछ के शोषण से संबंधित है ये, क्योंकि आर्टिकल 23 तो आपका ह्यूमन सेक्रीफाइस से संबंधित है ना, मानव तस्करी से, और आर्टिकल 24 आपका जो है ये चाइल्ड लेबर से संबंधित है ना, बाल मजदूरी यानी बच्चों का जो शोषण होता उससे संबंधित है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 में लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज ग्राम पंचायत? यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? वो आपको अनुच्छेद बताना है कि कौन सा अनुच्छेद करता है ग्राम पंचायतों के संगठन का। तो आपको पता होना चाहिए बेटा अनुच्छेद क्या है, 40 DPSP में है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, लिखा हुआ है एन MP और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली में बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बट, यानी एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, हो सकता है तो ठीक है, लेकिन क्यों, इसके लिए और क्या कंडीशन है? चुनाव लड़ने से पहले उसे अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। पहला, अपने निर्वाचन में 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, सॉरी, तीसरा, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। चौथा, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। बोलो भाई क्या आंसर होगा? है आंसर होगा सी, यानी जो भी एक MP होगा वो निर्वाचन होने के 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता को क्या करेगा, छोड़ देगा 6 महीने के अंदर, ठीक है। या निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। बोलो, 6 महीने नहीं, जैसे वो निर्वाचित होगा उसको अपनी सदस्यता क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। आंसर इसका क्या होगा, सी, ठीक है। आंसर क्या होगा बेटा, सी। क्वेश्चन नंबर 129, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अ यूनियन मिनिस्टर, यानी जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है क्या वो यूनियन मिनिस्टर बन सकता है, एक बार मंत्री रह सकता है? हाँ जी, रह तो सकता है। जो कोई भी अगर सांसद संसद का सदस्य नहीं है कोई भी व्यक्ति, उसको एक बार मंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति उसको अपॉइंट तो कर सकता है, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है।
छह महीने के लिए, आगे के लिए उसको जो है क्या करना पड़ेगा, किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग रिजेंटेड द चाइनीज ट्रेवल फाइयान विजिट इंडिया, यानी चीनी यात्री फाइयान किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत पहुंचा था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। हाँ जी, लगभग 14 से 15 साल के आसपास जो है ये फाइयान भारत में रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में ने संस्कृत का ज्ञान भी लिया था, ठीक है, याद रखना। ये चंद्रगुप्त सेकंड के रूलिंग पीरियड में लगभग भारत आया था, 399 बोले तो बीसी में, ठीक है, 399 बीसी के आसपास जो है ये भारत आया था। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन इसमें करंट के आ गया बेटा। हाल ही में खबरों में रहा मोना लोआ, यानी मोना लोआ वोल्केनो जो रिसेंटली सीन इन द न्यूज, रिसेंटली न्यूज़पेपर है ना, इज लोकेटेड विच प्लेस। मोना लोआ एक ज्वालामुखी है जो हाल ही में खबरों में रहा था, है ना, एक्टिव हो गया था और यूएसए के आसपास का जो रीजन है ना, लोग वहां पर जो है घबरा भी गए थे। कहां पर है ये? हवाई में। कहां है? हवाई, ठीक है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट लिखा है, हु हैज ऑथराइज्ड द बुक दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो ये आपके पास चार ऑप्शन दे रखा है, शशि थरूर हो गया, जितेंद्र सिंह हो गया, मीनाक्षी लेखनी हो गया, हरदीप सिंह पुरी हो गया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर, हरदीप सिंह पुरी, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट लिखा है, विच इंडियन ड्यो हैज ऑन द मेंस डबल टाइटल 2022 इन बैडमिंटन, सॉरी, किस भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन पुरुष युगल 2022 का खिताब जीता है? 2022 का खिताब बैडमिंटन पुरुष युगल में पूछ रहा है, याद रखना, बैडमिंटन पुरुष युगल में पूछ रहा है, तो आंसर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखना। सात्विक सेराज, रैंकी रेड्डी एंड चिराग सेट्टी के द्वारा जो है ये बैडमिंटन का खिताब जीता गया था। क्लियर, आंसर क्या होगा इसका? सी। आंसर है इसका सी, डन। नेक्स्ट लिखा है, विच इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ एज ऑफ नवंबर 2020, यानी नवंबर 2022 तक पृथ्वी से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? सबसे शक्तिशाली रॉकेट की बात कर रहा है बेटा, तो आंसर रहेगा इसमें, आंसर है इसका फाल्कन हैवी, आंसर होगा इसका बी, फाल्कन हैवी, ठीक है, फाल्कन हैवी सबसे शक्तिशाली रॉकेट है अब तक का। देन ऑपरेशन ब्लिजेंट स्टॉर्म है ना, एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन साउथ कोरिया एंड, यानी ऑपरेशन ब्लिजेंट स्टॉर्म जो अभ्यास है दक्षिण कोरिया के साथ साथ किस और देश के साथ ये हुआ था? ठीक है, तो जापान है, ब्रिटेन है, यूएसए है या ऑस्ट्रेलिया है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, आगे 00 टाइपिंग मिस्टेक, तो आंसर होगा यूएसए, आंसर क्या होगा बेटा? यूएसए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय, यानी हर्षवर्धन को जो है किसने डिफीट किया था? प्रभाकर वर्धन ने, पुलकेशिन सेकंड ने, नरसिंह वर्मन ने या शशांक ने? जल्दी से बताएं आप लोग,
बताओ किसने डिफीट किया था लगभग 1618 के आसपास की बात है, जब पुलकिंसन सेकेंड और हर्षवर्धन के बीच एक लड़ाई हुई थी ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है ना, नर्मदा रिवर या नर्मदा नदी के किनारे तट पे जो है हर्षवर्धन और पुलकिंसन सेकेंड के बीच में जो है लड़ाई हुई थी, जिसमें पुलकिंसन सेकेंड के द्वारा जो है हर्षवर्धन को डिफीट किया गया, वो इज द पुलकिंसन सेकेंड किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। ये चालुक्य डायनेस्टी का क्या हुआ करता था, राजा हुआ करता था, क्लियर, तो इसने हराया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में पहली या पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट का नाम क्या है, ये आपको बताना है। 2022 में जो है इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, लॉन्च बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और रॉकेट का नाम है विक्रम एस। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, हु हैज बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया, ठीक है ना, कौन बनी भाई पहली, फर्स्ट की बात कर रहा है ये बेटा, पहली महिला राष्ट्रपति, आंसर होगा नताशा फिर्क मूसर, नताशा फिर आपका फिर्क मूसर जो है पहली राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल हैज बीन पास टू इंक्रीज द रिजर्वेशन फॉर पुअर बैकवर्ड क्लासेस टू 77%, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% करने के लिए एक बिल पास करवाया गया विधानसभा के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो है एक बिल पास हुआ जिसमें एससी एसटी ओबीसी है ना ईडब्ल्यूएस अदर सब कुछ को मिलाकर जो है 77% जो है रिजर्वेशन डिक्लेयर कर दिया, पहले 60% था, 60% से बढ़ाकर ये कितना पहुंच गया, अब 77% बढ़ गया। तो ये कौन सा स्टेट है, झारखंड, कौन सा स्टेट है बच्चों, झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो महात्मा गांधी रिटर्न ड्यूरिंग हुज टेन्योर, यानी महात्मा गांधी जब भारत लौटे हैं तो उस समय किसका कार्यकाल हुआ करता था, कहां से लौटे हैं, कहां से लौटे हैं, साउथ अफ्रीका से, कहां से लौटे हैं, साउथ अफ्रीका से, 1893 में ये साउथ अफ्रीका चले गए थे, है ना, 1893, कब वापस लौटे, 9 जनवरी को 1915 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, है ना, 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, एनआरआई डे मनाते हैं। तो भाई इस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, किसका कार्यकाल चल रहा था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का कार्यकाल चल रहा था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का कार्यकाल चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन्ड अर्लीस्ट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को एस्टेब्लिश किया था कब, कब किया था भाई, 1875 में, कब किया गया था, 1875, नील आपका दीन बंधु मित्र ने अपना जो नील दर्पण लिखा है ना वो 1858 में, 1858 अनुसार लिख सकते हैं आप, 1858-59, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपना जो आनंद मठ लिखा था 1882 में, 1882 में, क्लियर, और सत्येंद्र नाथ जो टैगोर है विकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड
इन इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कब? 1863 में। बस सॉरी, अब हमें पता चल गया कि भाई सबसे पहली जो घटना हुई है, दीन बंधु मित्र ने अपना क्या लिखा था? नील दर्पण लिखा था। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने मैजनी है ना, गैरिवाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है, कुछ समय अमेरिका में भी रहे हैं और केंद्रीय विधानसभा के लिए भी चुने गए, तो कौन थे उनमें से? अरविंदो घोष थे, बिपिन चंद्र पॉल थे है ना, या फिर लाला लाजपत राय थे, या मोतीलाल नेहरू थे? ठीक है, तो आंसर इसका याद रखेंगे हमेशा, कौन? लाला लाजपत राय। इसका आंसर क्या था बेटा? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेजली। भारत में सब्सिडियरी अलायंस जो है शुरू किया था किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया। ठीक है, इसमें से कौन लागू नहीं होता था ये बताओ? दूसरे खर्च पर एक बड़ी स्थायी सेना बनाने रखने के लिए, दूसरे के खर्चा पर जो एक बड़ी सेना रखी गई थी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है पहला वाला। ठीक है, पहला क्या है? सही है। नेपोलियन के खतरे से जो भारत को सुरक्षित रखने के लिए, टू कीप इंडिया सेम फ्रॉम द सेफ फ्रॉम द नेपोलियन डेंजर, ये भी सही है। कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुनिश्चित करने के लिए था क्या? हाँ जी, कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुनिश्चित करने के लिए था, जो आपका ये सी ऑप्शन है ये सही बोल रहा है। क्लियर? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश है ना प्रमोटेंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स है ना, ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए, ये भी बिल्कुल सही था। तो आंसर इसमें क्या होना चाहिए था बेटा? आंसर होगा इसमें सी, यानी कंपनी के लिए निश्चित आय सुरक्षित करने के लिए जो है वेलेजली ने ये इंट्रोड्यूस नहीं किया था, याद रखना। दूसरे के राज्य में जो है अपनी आर्मी को रखना उसी के खर्चे पर, यही सब्सिडियरी अलायंस था, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू है? चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्या था ये? अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वकीलों, छात्रों, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है जी, ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए में भारत, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और राजनीतिक समुदायों की सक्रिय भागीदारी, नहीं भाई, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान अशांति में शामिल होना, रोपण फसलों पर वाणिज्यिक फसलों की खेती में भाई, नहीं भाई। आंसर होगा बेटा इसका क्या? आंसर होना चाहिए इसका क्या होना चाहिए? सी। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। यहां पर किसानों में क्या थी? अशांति थी, चंपारण में था, गांधी जी गए थे ना रामचंद्र शुक्ल के जो है इन्विटेशन पर। नेक्स्ट, इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, रेजिडरी पावर्स वर गिवन टू द 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी ये बताना है। तो अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई थी बेटा, वो गवर्नर जनरल को, किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। डन। क्वेश्चन नंबर 146 है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया? स्वराज्य सभा कर दिया है। किसने किया है ये बताना है। ऑल इंडिया होम रूल लीग है, हिंदू महासभा है,
साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन है, एक कुछ तो और है। तो आंसर होगा बेटा स्वराज्य सभा, जो नाम रखा है वो किसने रखा, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग, जो बाल गंगाधर तिलक और सॉरी एनी वेसेंट के द्वारा चलाया गया था 1916 में। क्लियर, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग का जो मुख्यालय बनाया गया था पुणे, और एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 में लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट वर डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इन टू द ओल्ड वर्ल्ड। पौधों के निम्नलिखित समूह में से एक को नई दुनिया में पालतू बनाया गया था और पुरानी दुनिया में पेश किया गया था। नई दुनिया में पालतू और पुरानी दुनिया में पेश किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम होगा बेटा क्या, टोबैको, कोकोआ एंड रबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला लिखा हुआ है, इसने स्वदेशी कारीगर शिल्प और उद्योगों के पुनरुद्वार में योगदान दिया। दूसरा लिखा है, स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर 148। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 148 की अगर बात करेंगे बेटा, कारीगर शिल्प उद्योगों के पुनरुद्धार के योगदान दिया है स्वदेशी मूवमेंट को, और एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की इसने स्थापना की। आंसर दोनों सही है। डन। क्वेश्चन नंबर 149, द सेंट्रल स्टेट फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस वन द रिकमेंडेशन बाय। केंद्र राज्य वित्तीय विवरण, केंद्र राज्य वित्तीय विवरण किसके द्वारा सिफारिश के या किसके सिफारिश पर होता है, किसके द्वारा सिफारिश पर होता है? प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस मिनिस्टर या सरकारी कमीशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, केंद्र राज्य फाइनेंस की बात हो रही है, तो आंसर होगा बेटा इसका क्या, वित्त मंत्री। अभी कौन है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर इसका आंसर होगा। मॉक टेस्ट 5 का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। लिखा है, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिशों के बिना चुनाव आयुक्त तो उनके कार्यकाल से हटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं हटाया जा सकता भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर इंजॉय इक्वल पावर। मुख्य चुनाव आयुक्त और आदेश चुनाव आयुक्त समान शक्तियों का आनंद लेते हैं। हाँ जी, सही है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयुक्त की अवधि पदभार ग्रहण करने की तारीख से, पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेकर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक और 6 वर्ष की कार्य अवधि पूरी करने तक जो है अपने पद पर बना रहता है। हाँ जी, ये भी बिल्कुल सही है, 6 वर्ष की कार्य अवधि पूरी करने तक और 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर ये बना रहेगा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। डन। उसके बाद, इन केस ऑफ डिफरेंस ओपिनियन अमंग्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर द मैटर इज डिसाइडेड बाय द लॉ कमीशन। नहीं भाई, ये लॉ कमीशन में नहीं जाता है, इसका आंसर डी होना चाहिए था, ये गलत है। बाकी सारे के सारे क्या है, सही है। आज खांसी ने परेशान कर दिया, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो ये था बेटा आपका मॉक टेस्ट 5, ठीक है ना, आप अपने आंसर मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। जितने मॉक टेस्ट DDA ने लगाया उसको अच्छे से संभालिएगा, उसको लास्ट में भी एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, और जो ऑनलाइन होने वाले हैं उसको भी आप रिवीजन करें, उनके में जो अच्छे क्वेश्चन हैं उसको नोट डाउन करें। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखें, जय हिंद। काइंडली सब्सक्राइब
D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.